हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ले ह्यूमैनिटीज। मैं हूं आपकी अनुष्या दीदी। एंड कैसे हो आप सब? सो आज के क्लास में हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं एंड हमारे चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी। तो आप में से काफ़ी सारे बच्चे बहुत टाइम से कह रहे थे कि दीदी प्लीज़ ये चैप्टर करा दो। अपेरेंटली आप में से काफ़ी सारे बच्चों को ये चैप्टर बहुत ज़्यादा टफ भी लग रहा है। तो हाँ, मैंने आपके बहुत सारे कॉमेंट्स वगैरह देखे, तो आज के क्लास में हम फाइनली इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं और पूरे चैप्टर को इसी एक क्लास में निपटा देंगे। ठीक है, तो जिसने भी ज्वाइन कर लिया क्लास को, जल्दी जल्दी इस वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे और भी फन और इंटरेस्टिंग क्लासेस के लिए। ठीक है, तो स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी ज्योग्राफी का चैप्टर है, स्टार्ट करते हैं। एंड लाइक आई सेड, आई अंडरस्टैंड आप में से काफ़ी सारे बच्चों को थोड़ा सा ट्रिकी सा लग रहा है ये चैप्टर, थोड़ा टफ सा लग रहा है, कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है। तो टेंशन मत लो, हम एक एक एनसीईआरटी के एक एक लाइन को रीड करेंगे, एक एक वर्ड को समझेंगे, मैप के थ्रू भी इन डिटेल समझेंगे। आपकी ये जो टेंशन है इस चैप्टर से रिलेटेड आज मैं ख़त्म कर दूंगी। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना लेक्चर। ठीक है, तो अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ ऑल्सो हैज़ अ हिस्ट्री। ठीक है, तो जैसे हम सबकी हिस्ट्री होती है ना, ठीक है, हम सबका भी एक पास्ट होता है, वैसे ही अर्थ की भी एक हिस्ट्री है। ओके, तो अर्थ में आज जो आपको चीज़ें दिखती हैं ना, कुछ माउंटेन्स दिखते हैं, प्लेटियोज दिखते हैं, रिवर्स दिखते हैं, तो ऐसा नहीं था कि ये सारी चीज़ें अचानक से एक दिन में बन गई। ठीक है, अर्थ हैज़ अ हिस्ट्री, बहुत लंबे टाइम के अंदर धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ें बनी। ओके, और हमारे आज के अंदाजे के हिसाब से कुछ हमारा जो अर्थ है वो कुछ अराउंड 460 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। ठीक है, तो अपना अर्थ काफ़ी ओल्ड है और ऑब्वियसली 460 मिलियन ईयर्स ओल्ड है अगर अर्थ, तो इस अर्थ के ऊपर बहुत सारे चेंजेस आए हैं ओवर टाइम। कुछ चेंजेस एंडोजेनिक थे, ठीक है, हमने ये एंडोजेनिक एक्सोजेनिक ज्योग्राफी के पिछले चैप्टर में पढ़ा है। एंडोजेनिक मतलब ऐसे फोर्सेस जो अर्थ के अंदर एक्ट करते हैं, एक्सोजेनिक मतलब ऐसे फोर्सेस जो अर्थ के बाहर एक्ट करते हैं। ठीक है, तो कुछ फोर्सेस एंडोजेनिक थे, कुछ एक्सोजेनिक थे, एंड इन सारे फोर्सेस के थ्रू धीरे धीरे अपने अर्थ के ऊपर चेंजेस आते गए। You have already studied about plate tectonics, ठीक है, कह रहे हैं कि पिछले चैप्टर में तुम लोग पढ़ के आ रहे हो प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में। एक चैप्टर था ना जिसमें पूरा अर्थक्वेक चल रहा था, तुम में से कुछ बच्चे कह रहे थे कमेंट सेक्शन में कि दीदी चैप्टर का नाम ही रख देते अर्थक्वेक, है ना। तो उसमें हमने प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में भी पढ़ा, तब भी हमें थोड़ा बहुत आइडिया लगा कि अच्छा प्लेट की मूवमेंट होती है, टेक्टोनिक मूवमेंट होती है, जिससे अर्थ का जो सरफेस है वो ओवर टाइम चेंज होता रहता है। ओके, तो अगर मैं इंडिया की बात करूँ ना, तो इंडिया के बारे में बहुत अमेजिंग मैं आपको फैक्ट बताती हूँ। तो आज के टाइम पे हम लोग कैसे पढ़ते हैं कि जो इंडिया है वो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पढ़ता है ना, हम लोग ऐसे पढ़ते हैं। पर बहुत साल पहले, ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, हमारा इंडिया नॉर्थ में पड़ता भी नहीं था। ठीक है, मैं आपको अभी मैप के थ्रू समझाऊंगी। बहुत पहले, मिलियंस ईयर पहले, तो ऐसे था कि हमारा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ये दोनों जुड़े हुए थे। ठीक है, फिर ओवर टाइम कुछ कुछ चेंजेस हुए, हमारा इंडिया ऑस्ट्रेलिया से ऐसे अलग हो गया और फिर इंडिया हमारा थोड़ा ऊपर नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होने लगा। ठीक है, तो धीरे धीरे इंडिया के प्लेट में भी चेंजेस आए, तो हम इसे एक बार मैप में देख लेते हैं। तो मैं आपको क्या कह रही थी, आज के टाइम पे हमें बताया जाता है कि इक्वेटर से ऊपर हमारा इंडिया पड़ता है ना, नॉर्दर्न पोर्शन में पड़ता है। ठीक है, पर हमारे अंदाजे से कुछ मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले ऐसा था कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया एकदम साथ साथ थे। ठीक है, फिर ड्यू टू ग्रेजुअल मूवमेंट हमारा इंडिया धीरे 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 पहले तो ऑस्ट्रेलिया से अलग हुआ, फिर ऊपर की तरफ जाने लगा। ठीक है, और ऊपर की तरफ जाने के बाद अपना इंडिया ये चाइना वाले एरिया से ऐसे टकरा गया। ठीक है, अब जब इनकी टक्कर हो रही थी ना, साथ आपस में टक्कर हो रही थी, तब उस कोलिजन के वजह से, उस टक्कर के वजह से भी कुछ लैंड फॉर्म्स क्रिएट हो गए। ठीक है, तो आप इसे ऐसे समझो, रुको मैं पेन जरा रख देती हूँ। ठीक है, हाँ, तो इसे ऐसे समझो कि मान लो ये अपना इंडिया है और ये पूरा, ठीक है, ये चाइना पाकिस्तान वाला एरिया, ठीक है, तो अपना इंडिया ऐसे 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 आ रहा था और ये ऐसे टकराएं, और जब टकराएं तो जिस एरिया में इनकी टक्कर हुई वो एरिया ऐसे थोड़ा सा ऐसे उठ गया। ठीक है, तो जब ऐसे टक्कर होती है तो अगर आप दो बुक्स को भी ऐसे उठा के ऐसे ज़बरदस्ती ऐसे टक्कर करा दो तो वो बुक वाला जो एरिया वो हल्का सा ऐसे उठ जाएगा, है ना। तो ऐसे ही हमारे इंडिया का भी ये वाला पोर्शन हल्का सा थोड़ा सा ऐसे उठ गया, एंड वहाँ पर हम देखते भी हैं कि हमारे हिमालयाज़ हैं, हमारे माउंटेंस हैं।
ठीक है, तो इस तरीके से हमारे इंडिया के प्लेट में भी बहुत सारे चेंजेस आए ओवर टाइम। तो हमारे बुक में ना ऐसे क्वेश्चन भी पूछा है उन्होंने बहुत स्मार्ट तरीके से, कैन यू नेम सम इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट, कि जब हमारा इंडियन प्लेट ऑस्ट्रेलिया को छोड़ के नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा था तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या था। कॉन्सिक्वेंस यही था कि ये टकरा गया ऊपर जाके, और इनके टक्कर के वजह से हमारे आसपास के जो लैंड फॉर्म्स हैं जैसे हिमालय हैं ये सब बने। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर है आप बच्चों को। ठीक है, तो प्राइमरली हम लोग देखते हैं कि एंडोजेनिक फोर्सेस, एक्सोजेनिक फोर्सेस, प्लेट की मूवमेंट्स, इन सारी चीज़ों से आसपास हमारे सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। अगर कहीं माउंटेन बना है, प्लेटियो बना है, तो ये इन सारे फीचर्स के वजह से, इन सारे मूवमेंट के वजह से बनता है। ठीक है, बेस्ड ऑन वेरिएशन इन इट्स जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन, इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 जियोलॉजिकल डिवीजन। अब यहाँ तक तो देखो बेसिक इंट्रोडक्शन चल रहा था, अब थोड़ा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, सीरियस हो जाओ। ठीक है, हालांकि अब तक भी सीरियस ही चल रहे होगे, ठीक है, पर हाँ यहाँ से एकदम प्रॉपर ज्योग्राफी अब स्टार्ट हो रही है। ओके, तो आपको ये बता रहे हैं कि इंडिया के अगर हम जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को देखें तो हम इंडिया को 3 डिविजन्स में बांट सकते हैं। ठीक है, क्या है वो 3 डिवीजन? एक है पेनिनसुलर ब्लॉक, ओके, दूसरा क्या है द हिमालय एंड अदर पेनिनसुलर माउंटेंस, ठीक है, और तीसरा डिवीजन क्या है इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। ठीक है, तो इंडिया के अगर हम ओवरऑल फीचर्स को देखें, ज्योग्राफी को देखें, तो इंडिया के बारे में अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो हम उसे 3 डिवीजन में बांट सकते हैं। एक हो गया अपना पेनिनसुलर ब्लॉक, एक हो गया हिमालय एंड अदर पेनिनसुलर माउंटेन, एक हो गया इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन। ठीक है, अभी नाम सुन लो, टेंशन मत लो, अभी एक एक करके इन सब के बारे में इन डिटेल हम पढ़ेंगे। ठीक है, इन तीनों के बारे में इन डिटेल मैप के साथ सब कुछ देखकर एकदम प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे। शुरुआत करेंगे हम लोग पेनिनसुलर ब्लॉक से। लाइक आई सेड, टेंशन मत लो, मैप मैं साथ साथ लाई हूँ, तो हम लोग मैप भी साथ में देख देख के पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो पेनिनसुलर ब्लॉक, सबसे पहले तो ये जान लो पेनिनसुलर ब्लॉक मतलब कौन से एरिया की बात हो रही है ना, क्योंकि इस चैप्टर में ना, अगर मैं पता है, मैं कम्प्लीटली समझ रही हूँ कि आपको ये चैप्टर टफ या कॉम्प्लिकेटेड क्यों लगता है। ठीक है, इस चैप्टर में पूरा ना विजुअलाइज करने का खेल है। ठीक है, आपको बस, अगर आप सिर्फ पढ़ते हो चैप्टर को तो आपको ऐसा लगता है कि ये तो नाम 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 लिखे हुए हैं, ये माउंटेन, ये नदी, ठीक है, ये रिज, मतलब सिर्फ नेम्स हैं। बट अगर आप इस चैप्टर को विजुअलाइज कर पाओ तो कुछ भी नहीं है। इस चैप्टर में बस ये बता रखा है कि नॉर्थ में ये माउंटेन है, साउथ में ये है, वो है, तो आपको मैप के साथ बस चैप्टर को विजुअलाइज करते रहना है। इनफैक्ट आई फील अगर आप कभी खुद भी पढ़ने बैठते हो और आप किसी लाइन में फंस जाते हो तो आपको कुछ नहीं करना, उस एरिया का एक बार मैप गूगल में वही टर्म टाइप कर दो और मैप देख लो, आपको खुद समझ आ जाएगा। तो इस पूरे चैप्टर में बस विजुअलाइज करने का खेल है। ठीक है, तो आपको साथ साथ मैप देखना है, खुद अपनी तरफ से भी एफर्ट्स करने हैं, थोड़ा इमेजिन वगैरह करना है, तो आप जल्दी से पकड़ पाओगे इस चैप्टर को। ठीक है, चलो, तो पेनिनसुला ब्लॉक क्या है, ये हमारे इंडिया का मैप है ना, तो इस इंडिया के मैप में ये जो भी ऐसा पोर्शन है जिसमें ब्लैक लाइंस ऐसे खींची हुई हैं, मैं थोड़ा कलर बदल देती हूँ पेन का। ठीक है, तो मैंने रेड कर दिया पेन, तो ये जो पूरा एरिया हमारा, ये पेनिनसुला ब्लॉक है। अब पेनिनसुला ब्लॉक नॉर्थ ईस्ट में भी है। ठीक है, ये जो छोटा सा हिस्सा है, ठीक है, ये जो छोटा सा शेडेड वाला पोर्शन है, ये भी हमारा पेनिनसुला ब्लॉक का ही पार्ट है। अब तुम्हें थोड़ा आइडिया लग गया पेनिनसुला ब्लॉक कैसा है, अब हम पढ़ते हैं पेनिनसुला ब्लॉक के बारे में। ठीक है, तो कह रहे हैं कि पेनिनसुला ब्लॉक का जो नदन बाउंड्री है ना, वो एक इररेगुलर लाइन की तरह है जो कि कच्छ के अलोंग चल रहा है। ठीक है, रनिंग फ्रॉम कच्छ अलोंग द वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ अरावली रेंज नियर दिल्ली एंड देन रफली पैरेलल टू यमुना एंड गंगा। ठीक है, यहाँ तक रुक जाओ। तो क्या कह रहे हैं, अगर आप पेनिनसुला ब्लॉक के ऊपर वाले नदन बाउंड्री को देखोगे तो ये हमारा नदन बाउंड्री हो गया पेनिनसुला ब्लॉक का। ठीक है, तो ये एक इररेगुलर लाइन की तरह है। ठीक है, तो ये इररेगुलर लाइन की तरह है, ये वाला जो पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, कच्छ के आसपास का जो एरिया ना, वहाँ पे थोड़े दलदल हैं, स्वाम्पी सा एरिया है, इसीलिए कह रहे हैं कि इररेगुलर सी लाइन बनती है यहाँ पे। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि पेनिनसुला ब्लॉक का जो वेस्टर्न वाला पोर्शन है ना, वहाँ पे हमारा अरावली रेंज आता है दिल्ली के पास। ठीक है, और क्या कह रहे हैं कि ये जो पेनिनसुला ब्लॉक का ये जो नदन पार्ट है ना, ये यमुना और गंगा जैसी रिवर्स के पैरेलल चल रहा है। ठीक है, तो यहीं से हमारी यमुना गंगा बहती हुई जाती हैं। ठीक है, तो उन रिवर्स के पैरेलल मतलब ऐसे जैसे मैथ्स में पढ़ते हैं ना पैरेलल लाइंस, तो ऐसे पैरेलल ये जा रहा है, एक तरफ हमारी पेनिनसुला ब्लॉक की लाइन जा रही है और उसी के पैरेलल गंगा और यमुना की नदी बह रही है। ठीक है, नेक्स्ट राजमहल हिल्स। ठीक है, एंड एज फार एज राजमहल हिल्स,
ठीक है, राजमहल हिल्स इस तरफ पड़ता है हमारा, तो राजमहल हिल्स तक ये जा रहा है। ठीक है, फिर क्या आता है बीच में, अगर आप ये वाला हिस्सा देखो तो यहाँ पे पेनिनसुला ब्लॉक नहीं है, है ना, कलर बदल दूं, चलो ब्लू उठा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे पेनिनसुला ब्लॉक नहीं है, ये पूरा पेनिनसुला ब्लॉक, बीच में एक गैप और फिर यहाँ फिर से पेनिनसुला ब्लॉक आ जाता है। ठीक है, तो ये बीच में गैप क्यों आ रहा है, देखो अब थोड़ा और अच्छे से दिख रहा होगा, ये बीच का गैप क्या है ये जरा हम समझते हैं, और ये समझ लेना क्योंकि यही चीज ना बार बार चैप्टर में भी रिपीट भी होगी। ठीक है, तो ये बीच का गैप क्या है, ठीक है, तो वो समझते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस द कर्बी एंगलोंग एंड मेघालय प्लेट्यू इन द नॉर्थ ईस्ट एंड राजस्थान इन द वेस्ट आर ऑल्सो एक्सटेंशन ऑफ दिस ब्लॉक। कह रहे हैं कि अगर आप इस ब्लॉक को देखोगे तो मेघालय तक भी जा रहा है, मेघालय में कर्बी एंगलोंग, ठीक है, कर्बी एंगलोंग और मेघालय प्लेट्यू तक नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है ये। ठीक है, कहाँ गया मैप, ये रहा, ठीक है, तो ये पूरा कर्बी एंगलोंग और मेघालय तक जा रहा है हमारा ये पेनिनसुला ब्लॉक, और अगर हम वेस्ट की बात करें तो राजस्थान तक भी बस पहुंच रहा है ये। ओके, अब नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट इज सेपरेटेड बाय मालदा फॉल्ट। ओके, तो मैंने आपको बताया यहाँ बीच में एक गैप है, बीच में गैप इसीलिए क्योंकि यहाँ का जो एरिया है ना इसे हम कहते हैं मालदा फॉल्ट, तो यहाँ पे हमारे प्लेट्स में एक फॉल्ट है। ठीक है, आप ऐसे समझो कि एक हल्का सा एक डिप्रेशन टाइप है जिसकी वजह से पेनिनसुला ब्लॉक यहाँ पे नहीं है। ठीक है, पेनिनसुला ब्लॉक यहाँ पे तो है पर यहाँ पे एक फॉल्ट आ गया, ठीक है, जिसे हम मालदा फॉल्ट कहते हैं, तो उस फॉल्ट की वजह से पेनिनसुला ब्लॉक इस छोटे से एरिया में नहीं है। ठीक है, मालदा फॉल्ट नाम आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी छोटा नागपुर प्लेट्यू के अराउंड भी ये है। ठीक है, इन राजस्थान द डेजर्ट एंड अदर डेजर्ट लाइक फीचर्स ओवरले दिस ब्लॉक। राजस्थान के आसपास जो डेजर्ट हैं, डेजर्ट लाइक फीचर्स हैं, वो भी इस ब्लॉक के आसपास हैं। ठीक है, तो ये आपको पेनिनसुला ब्लॉक के बारे में थोड़ा और बताया जा रहा है। ठीक है, तो जो पेनिनसुला है इट इज़ फॉर्म्ड एसेंशियली बाय ग्रेट कॉम्प्लेक्स ऑफ वेरी एंशंट नीसेस एंड ग्रेनाइट। ठीक है, तो जो हमारा पेनिनसुला ब्लॉक है बहुत ही एंशंट ग्रेनाइट से बना हुआ है और इसका जो मेजर पार्ट है वो ग्रेनाइट से ही कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। ठीक है, एंड कैम्ब्रियन पीरियड से, अब ये क्या होता है कैम्ब्रियन पीरियड, ये एक टाइम पीरियड की बात हो रही है। ठीक है, कैम्ब्रियन पीरियड मतलब ज्योग्राफी में सबसे पुराना जो टाइम पीरियड होता है जब मतलब अर्थ बन रहा था वो वाला टाइम पीरियड, तो अगर हम कैम्ब्रियन पीरियड की बात करें कैम्ब्रियन पीरियड से हमारा जो पेनिनसुला है वो एकदम रिजिड है। रिजिड मतलब ज़्यादा चेंजेस नहीं आए उसमें, जैसा था आज के टाइम पे भी ऐसा ही है, थोड़े बहुत एक्सेप्शंस हैं जैसे वेस्टर्न कोस्ट के आसपास हम देखते हैं कि थोड़ा बहुत जो हिस्सा है वो डूब गया है, सबमर्ज हो गया है समुद्र के नीचे। अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़े बहुत टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ होती हैं, अर्थक्वेक्स वगैरह, प्लेट मूवमेंट वगैरह, तो थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं हमारे पेनिनसुला ब्लॉक में, पर उसके अलावा ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं आए। पेनिनसुला ब्लॉक हम कह सकते हैं कैम्ब्रियन पीरियड से एक रिजिड ब्लॉक की तरह, एक स्ट्रॉन्ग ब्लॉक की तरह पेनिनसुला ब्लॉक बहुत लंबे टाइम से है। ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इट हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू वेरियस वर्टिकल मूवमेंट। ठीक है, जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का पार्ट था ये, तो ये बहुत सारे वर्टिकल मूवमेंट का शिकार बना। ठीक है, वर्टिकल मूवमेंट मतलब हमने पढ़ा ना, इंडिया साउथ से ऐसे नॉर्थ की तरफ निकलता हुआ गया था बहुत पहले, तो बहुत सारे वर्टिकल मूवमेंट सहे हैं पेनिनसुला ब्लॉक ने, जिसके वजह से कुछ रिफ्ट वैलीज बन गई हैं। रिफ्ट वैलीज मतलब मान लो ये ज़मीन है, ठीक है, जो ज़मीन है वो ऐसे थोड़ा सा फॉल्ट आ गया तो ऐसे थोड़ा सा खिसक गई, एक रिफ्ट बन गया बीच में, और अगर वहाँ से नदियाँ बहने लगें तो हम उसे रिफ्ट वैली कहते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी रिफ्ट वैलीज जैसे कि नर्मदा, ठीक है, तापी, महानदी, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ओके, नेक्स्ट अगर हम पेनिनसुला की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे माउंटेंस भी हैं। ठीक है, जैसे अरावली हिल्स हैं। ओके, हिल्स और माउंटेन्स में एक बार वैसे तो आई एम अज्यूमिंग मे बी आपको पता हो मे बी ना भी पता हो तो मैं एक बार बता देती हूँ, माउंटेन्स और हिल्स के बीच में एक बेसिक डिफरेंस ये होता है कि माउंटेन्स बहुत ही अगर आसान शब्दों में बताऊँ तो माउंटेन्स ज़्यादा हाइट उनकी होती है, ठीक है, ज़्यादा पीक होता है उनका। हिल की अगर हम बात करें कंपेरेटिवली छोटे होते हैं और राउंड सा पीक होता है उनका। ठीक है, तो ये हिल्स हो जाते हैं, अरावली हिल्स, नल्लामला हिल्स, जवादी हिल्स, वेलिकोंडा हिल्स, पालकोंडा रेंज, ये सारी चीज़ें आपको हमारे पेनिनसुला ब्लॉक में देखने को मिलेंगी। यहाँ पे अक्सर जो नदियाँ होती हैं ना वो शैलो शैलो सी होती हैं, शैलो मतलब ज़्यादा गहरी नहीं होती और इनका लो ग्रेडियंट होता है। लो ग्रेडियंट का क्या मतलब होता है, मतलब इनका जो स्लोप होता है ना, ढलान, वो बहुत ज़्यादा नहीं होता।
हल्का सा एक ढलान होता है जिसकी वजह से नदियां थोड़ा धीरे धीरे जाती हैं। अगर बहुत ज्यादा ढलान होगा तो हम कहेंगे कि हाई ग्रेडियंट स्लोप है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लो ग्रेडियंट स्लोप है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स फॉर्म डेल्टा बिफोर एंटरिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो ज्यादातर जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो क्या करती हैं, वो बे ऑफ बंगाल में जाकर अपना सारा पानी डिपॉजिट कर देती हैं, रास्ते में वो डेल्टा बनाते हैं, ठीक है। डेल्टा क्या होता है थोड़ा सा समझ लो, हमने हालांकि छोटे क्लासेस में पढ़ रखा है, एक बार पर रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो डेल्टा क्या होता है, जब नदी माउंटेन से बहती हुई आ रही होती है ना, तब तो नदी बहुत तेज बहती है क्योंकि ढलान है, नदी तेज बहेगी, है ना। पर जब थोड़ा प्लेन एरिया में आ जाती है नदी तो क्या होता है, नदी का जो स्पीड है वो स्लो डाउन हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, हमारी जो नदी है वो इस तरीके से बट जाती है, ठीक है। तो मान लो एक नदी है, ठीक है, वो थोड़ी स्लो डाउन हो गई, तो अब क्या होगा, नदी जो है वो ऐसे ऐसे बट जाएगी, ठीक है। अब नदी के अंदर बहुत सारे सेडिमेंट्स होते हैं, मिट्टी पत्थर ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ये ऐसे बीच में कलेक्ट हो जाते हैं और बीच में मतलब एक ज़मीन जैसा एक एरिया बन जाता है जिसको हम डेल्टा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं जो डेल्टा बनाती हैं, तो महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये सारी ऐसे रिवर्स का एग्जाम्पल हैं जो बे ऑफ बंगाल में ख़त्म होने से पहले ऐसे रास्ते में डेल्टास बना देती हैं, ठीक है। तो एक टॉपिक हमारा हो गया है, ठीक है। तीन डिविजन्स पढ़ रहे थे ना इंडिया के, उसमें से एक डिविजन हो गया। दूसरा डिवीजन क्या है, द हिमालय एंड अदर पेनिनसुलर माउंटेंस। तो इसमें आपको बेसिकली हिमालय माउंटेंस के बारे में बहुत कुछ बताया जाएगा, हिमालय के अलावा भी कुछ और माउंटेंस के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो अगर हिमालय की बात करें ना, तो पेनिनसुला ब्लॉक के बारे में तो हमने पढ़ा कि पेनिनसुला ब्लॉक बहुत रिजिड होता है ना, एकदम स्ट्रॉन्ग है, उसके फॉर्म में ज़्यादा कोई चेंजेस वगैरह नहीं आ रहे। पर हिमालय को हम कहते हैं कि हिमालय बहुत ही यंग, वीक और एक फ्लेक्सिबल सा माउंटेन है, ठीक है। इट इज़ यंग, वीक एंड फ्लेक्सिबल, मतलब अब भी बन ही रहा है हिमालय हमारा, ठीक है। और ये मतलब एक फैक्ट है कि हिमालय का जो हाइट है वो अब भी बढ़ रहा है ओवर टाइम, ठीक है। तो हिमालय बहुत यंग, वीक और फ्रेजाइल सा एक स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है, ठीक है। दे आर स्टिल सब्जेक्टेड टू इंटरप्ले ऑफ एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक फोर्स, क्योंकि अभी यंग सा माउंटेन है, तो अब आजकल के टाइम पर भी एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस के वजह से हिमालय के स्ट्रक्चर के ऊपर चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है, जिसके वजह से कहीं ना कहीं फॉल्ट, फोल्ड या थ्रस्ट जैसी चीज़ें बन जाती हैं, ठीक है। तो फॉल्ट अक्सर जैसे अगर प्लेट में इस टाइप की मूवमेंट हो तो हम इसे क्या कहते हैं, फॉल्ट कहते हैं। फोल्ड क्या होता है, फोल्ड, ठीक है, फोल्ड इस टाइप का होता है, ठीक है। तो फॉल्ट ऑफ फोल्ड देख लिया, ठीक है। थ्रस्ट भी ऐसा ही होता है, ठीक है। तो थ्रस्ट में जब फॉल्ट इस टाइप में मूव करता है तो हम इसे थ्रस्ट कहते हैं। तो कुछ नहीं है, फॉल्ट, फोल्ट और थ्रस्ट ये मूवमेंट्स का नाम है जिसके थ्रू हमारे जो नीचे प्लेट्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से मूव करते हैं। तो हिमालय क्योंकि फ्रेजाइल है तो इसमें फोल्ड, ठीक है, फोल्ड और फॉल्ट, ये सारी चीज़ें, थ्रस्ट, ये सारी चीज़ें बनती रहती हैं। ओके, चलो, तो ये हमारे इंडिया का मैप है और ये जो भी आपको ऐसे कलर्ड सा एरिया दिख रहा है, यहाँ पूरा अपना हिमालय है। अभी एक एक करके हम पढ़ेंगे, ठीक है। इस पूरे चैप्टर में तुम लोग मतलब बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें भी पढ़ोगे, ठीक है। कश्मीर के बारे में इतना कुछ पता चलेगा तुम्हें, ठीक है। तो बहुत एक ऐसा चैप्टर है जिससे तुम मतलब घर बैठे बैठे पूरे अलग अलग एरियाज को घूम लोगे, तुम्हारी नॉलेज थोड़ी बढ़ जाएगी, मज़ा आएगा तुम्हें, ठीक है। चलो, दीज माउंटेन्स आर टेक्टोनिक इन ओरिजिन, टेक्टोनिक एक्टिविटीज़, ठीक है, प्लेट के मूवमेंट के वजह से इनका ओरिजिन हुआ है, ठीक है। और बाकी तो हमने पढ़ा ही था कि इंडिया का जब वर्टिकल मूवमेंट हो रहा था ऊपर, तब जब ये टकराए उस टाइम पर भी इनका फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। एंड ये अपने यूथफुल स्टेज में भी हैं, तो ऐसा भी होता है कि यहाँ पे ऐसे बहुत सारे माउंटेन्स हैं जिनके पास से बहुत तेज़ नदियाँ बहती हुई जाती हैं, और जब नदियाँ बहुत तेज़ बहती हुई निकलती हैं तो वो रास्ते में अलग अलग चीज़ें बना देती हैं, जैसे कि वी शेप्ड वैली बना देती हैं, ठीक है। जैसे मतलब ये दो माउंटेन्स हैं, बीच में से बहुत तेज़ पानी ऐसा बहता हुआ गया तो यहाँ पे एक वी शेप्ड वैली बन गया, ठीक है। रैपिड्स, वाटरफॉल, गॉर्जेस, ठीक है। गॉर्जेस क्या होता है, ठीक है, इसे कहते हैं हम गॉर्ज, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे माउंटेन का कोई स्ट्रक्चर है, बहुत तेज़ पानी बहता हुआ आया तो यहाँ से ज़मीन हल्का सा कट सा गया, है ना, तो इसे हम गॉर्ज कहेंगे। तो हिमालय में बहुत फास्ट फ्लोइंग रिवर्स भी हैं जो ऐसे गॉर्ज बना देती हैं, वी शेप्ड वैली बना देती हैं, कहीं पे वाटरफॉल बन जाते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये नदियाँ इतनी तेज़ बहती हुई आ रही हैं कि ओवर टाइम इन्होंने ज़मीन को, माउंटेन को बीच में से ऐसे काटना स्टार्ट कर दिया, ठीक है।
चलो नेक्स्ट क्या है, इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन। ठीक है, तो अब हम थोड़ा प्लेन एरिया के बारे में डिस्कस करते हैं। ये तीसरा जियोलॉजिकल डिवीजन है हमारे इंडिया का, एंड हम एक ऐसे एरिया के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ पे इंडस गंगा और ब्रह्मपुत्रा ये नदियाँ बहती हैं। ठीक है, तो अगर आप इस मैप को देखो तो अब ये जो डॉटेड वाला पोर्शन है जहाँ पे ऐसे डॉट्स डले हुए हैं, ठीक है, वो हमारा इंडो गंगेटिक प्लेन है। मैं ब्लू पेन है मेरे पास, है ना, तो अब मैं थोड़ा सा शेड कर देती हूँ उस एरिया को। ठीक है, तो हम अब इस एरिया के बारे में बात कर रहे हैं, इंडो गंगेटिक प्लेन के बारे में, इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन के बारे में। तो ओरिजिनली इट वॉज ए जियो सिंक्लिनिकल डिप्रेशन। ठीक है, तो ओरिजिनली ये एरिया प्लेन नहीं था। ठीक है, थोड़ा सा डिप्रेशन मतलब एक गड्ढा सा था यहाँ पे। ठीक है, फिर क्या होता है यहाँ पे, क्योंकि इतनी सारी नदियाँ थी, नदियाँ कुछ कुछ डिपॉजिट करती हुई जा रही थी, तो धीरे धीरे वो डिप्रेशन भर गया और एक प्लेन एरिया बन गया। ठीक है, तो हाँ, तो ये जियो सिंक्लाइन होता है। ठीक है, तो मतलब आपको दिख रहा है ना कि यहाँ पे एक डिप्रेशन है, एक गड्ढा सा है। ठीक है, ओवर टाइम ये एरिया मतलब सेडिमेंट से ऐसे 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 भर गया, तो ये क्या हो गया, ये एक प्लेन एरिया बना देता है। ठीक है, सिंस देन, हाँ, तो हिमालय के जो भी रिवर्स हैं, उन रिवर्स के जो भी सेडिमेंट्स हैं, सेडिमेंट्स ने जियो सिंक्लाइन और डिप्रेशन को भरना स्टार्ट कर दिया, जिसके वजह से हम देखते हैं कि एक प्लेन एरिया बन जाता है। ठीक है, तो एवरेज हमारे हिसाब से जो एलुवियल डिपॉजिशन हुआ है वहाँ पे, ठीक है, जो सेडिमेंट्स डिपॉजिट हुए हैं उस गड्ढे में, उसका डेप्थ कितना होगा? ठीक है, तो उसका कुछ रेंज होगा 1000 to 2000 meters। ठीक है, ये हमारे अंदाजे से एक एवरेज है। ठीक है, तो हमने अभी जो भी डिस्कशन करा है, इससे एक चीज़ तो क्लियर है कि हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं। कहीं पे प्लेन एरिया है, कहीं पे रिजिड पेनिनसुला ब्लॉक है, कहीं पे फ्रेजाइल हिमालय है, तो वेरिएशंस हमारे इंडिया में बहुत हैं। ठीक है, एंड दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, शायद ही कोई ऐसी और कोई कंट्री होगी जिसमें इंडिया जितना आपको वेरिएशन और अलग अलग चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिजियोग्राफी। ठीक है, फिजियोग्राफी के बारे में, इंडिया के फिजियोग्राफी के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, होता क्या है फिजियोग्राफी। ठीक है, तो मान लो आप ओवरऑल इंडिया के बारे में अभी पढ़ रहे थे, ठीक है, कि इंडिया में पेनिनसुला ब्लॉक है और हिमालय है और प्लेन है। ठीक है, तो अब हम फिजियोग्राफी में क्या करेंगे, थोड़ा और इन डिटेल पढ़ेंगे कि कहाँ माउंटेन्स हैं, कहाँ नदियाँ हैं। ठीक है, तो थोड़ा और जब हम फिजिकल फीचर्स के बारे में इन डिटेल पढ़ते हैं तो उसे फिजियोग्राफी कहते हैं। ठीक है, तो अलग अलग प्रोसेसेस जब हुए, फॉल्ट जब बना, टेक्टोनिक मूवमेंट जो हुआ, उसके वजह से क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, क्या क्या फिजिकल फीचर्स बने इंडिया में, टोपोग्राफी में क्या क्या बदलाव आए, कहाँ पे माउंटेन्स हैं, कहाँ पे वैलीज हैं, ये सारी चीज़ें आपको फिजियोग्राफी में बताया जाएगा। ठीक है, तो अगेन इंडिया में बहुत ही डाइवर्स फिजियोग्राफी है, तो हम इंडिया में जो कुछ भी है उसे हम 6 ऐसे हिस्सों में बांट रहे हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो यही सेम चीज़ें हमने अपने क्लास 9th में भी करी है। 9th और 11th का सिलेबस समवॉट सिमिलर होता है। ठीक है, बस 11th थोड़ा और टफ होता है। ठीक है, ऑब्वियसली थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, थोड़ा और इन डिटेल बताया जाता है। तो 6 हिस्से कर देते हैं हम इंडिया के फिजियोग्राफी को समझने के लिए। सबसे पहले हम समझेंगे द नदर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स। हमारे इंडिया के नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में जो माउंटेन्स हैं पहले वो देखेंगे, उसके बाद हम नॉर्थ के प्लेन के बारे में, नदर्न प्लेन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद पेनिनसुला प्लेटियो के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम अपने इंडियन डेजर्ट को देखेंगे, फिर कोस्टल प्लेन्स हमारे इंडिया में कैसे हैं वो देखेंगे, फिर हम अपने इंडिया के आइलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद कुछ नहीं, चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बस हमें ये 6 टॉपिक्स एक एक करके अभी कवर करना। ठीक है, पहला क्या था, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स। हमारे इंडिया के नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स को देख लेते हैं। तो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में क्या है, हिमालय आ जाते हैं और थोड़े से और नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स आ जाते हैं। ठीक है, तो हिमालय क्या है, ये पैरेलल माउंटेन रेंजेस हैं, मतलब ऐसे पैरेलल तरीके से माउंटेन के रेंजेस हैं, बहुत सारे ऐसे माउंटेन एक के बाद एक हैं। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस, हिमालय के कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस क्या है, ग्रेटर हिमालयन रेंज विच इंक्लूड्स, ठीक है, ग्रेटर हिमालयन रेंज में क्या क्या आ जाता है, ग्रेट हिमालय, ट्रांस हिमालयन रेंज, मिडिल हिमालय एंड शिवालिक। ठीक है, तो ये अगेन हमने छोटे क्लासेस में पढ़ा है कि हमारा जो हिमालय है उसके अलग अलग ऐसे रेंजेस हैं। ठीक है, इसमें आ जाता है ग्रेट हिमालय, ट्रांस हिमालय, मिडिल हिमालय और सबसे नीचे शिवालिक। ठीक है, तो इस तरीके से, ठीक है, ये पूरा हमारा ऐसे हिमालय जाता है और यहाँ पे ऐसे
ग्रेट हिमालया, ये नीचे ऐसे शिवालिक आ गया, ठीक है। तो ऐसे रेंजेस बनाते हुए पैरेलल तरीके से ये रेंजेस बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अभी मैप में सारा देखेंगे और थोड़ा इन डिटेल, सो टेंशन मत लो। तो अब हिमालय के बारे में थोड़ा सा और समझते हैं, ठीक है। द जनरल ओरिएंटेशन ऑफ दीस रेंजेस इज फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो आपको बताया जा रहा है कि किस डायरेक्शन में हमारे हिमालयन जो माउंटेन्स हैं वो जा रहे हैं। तो क्या बोला इन्होंने, नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट, ठीक है। मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि कैसे आप विजुअलाइज कर सकते हो डायरेक्शन को। तो देखो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इतना सबको क्लियर है ना। तो नॉर्थ वेस्ट अगर कह रहे हैं तो ये वाला हिस्सा हो गया, ठीक है, और साउथ ईस्ट अगर कह रहे हैं तो ये वाला हिस्सा हो गया, है ना। तो कह रहे हैं कि हिमालय की जो डायरेक्शन है वो ऐसे जा रही है, नॉर्थ वेस्ट से लेकर साउथ ईस्ट। अब ऐसा ही लग रहा है मैप में भी जाता हुआ, नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में हमारी हिमालय जा रही है, ठीक है। तो जब हम इसे ऐसे रीड करते हैं तो समझ नहीं आता, थोड़ा सा जब विजुअलाइज करते हैं तो चैप्टर बहुत आसान है, आने लगेगा समझ, ठीक है। तो हाँ, हिमालयाज इन द दार्जिलिंग एंड सिक्किम रीजन्स लाई इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो जो सिक्किम रीजन में जो हिमालय है वो थोड़ा ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में लगा हुआ है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में अगर आप जाओगे तो डायरेक्शन क्या है, साउथ वेस्ट से लेकर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में लगा हुआ है, ठीक है। तो साउथ वेस्ट से लेकर, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट, तो ऐसे डायरेक्शन में लगा हुआ है, ठीक है। तो ये सब आपको थोड़ा बहुत विजुअलाइज करना है, ठीक है। अब अप्रॉक्सिमेट लेंथ क्या है हमारे ग्रेट हिमालयन रेंज की, ठीक है, इट इज 2500 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ऐसे वन मार्कर्स आ जाते हैं, अप्रॉक्सिमेट लेंथ क्या है ग्रेट हिमालय रेंज की, 2500 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। और विड्थ, चौड़ाई कितनी है, 160 से लेके 400 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। अब अगर हम हिमालय को मैप में देखें ना, तो हिमालय ना एक बॉर्डर की तरह एक्ट करता है ना। ये अगेन हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है कि हिमालय एक बैरियर की तरह काम करता है, ठीक है। हिमालय के वजह से क्या होता है, देखो इस मैप में देखो, आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा। तो यहाँ पे अपना पूरा इंडिया है, यहाँ पे हिमालय है, यहाँ नेपाल, भूटान और चाइना। तो चाइना और इंडिया के बीच में एक वॉल की तरह, एक बैरियर की तरह हिमालय काम करता है। एंड बढ़िया हिमालय लगा हुआ है, वरना इनका भरोसा नहीं, ठीक है। वैसे ही ये लोग अलग अलग एरिया ऑक्साइजन वगैरह हड़पने में लगे रहते हैं। तो बढ़िया हिमालय एक बैरियर की तरह एक्ट करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है कि हिमालयाज आर नॉट ओनली अ फिजिकल बैरियर, दे आर ऑल्सो क्लाइमेटिक, ड्रेनेज एंड कल्चरल बैरियर्स, ठीक है। तो हिमालय के वजह से सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक डिफेंस के लिए फिजिकल बैरियर है, इसके अलावा भी हिमालय के वजह से बहुत सारी चेंजेस आती हैं, जैसे कि क्लाइमेटिक बैरियर है, ठीक है। अगर हिमालय नहीं होता ना यहाँ पे, तो हमारे इंडिया में बहुत खतरनाक ठंड पड़ती, ठीक है। जैसे इंडिया के ऊपर विंटर्स में बहुत खराब हालत होती है, हमारे यहाँ पे भी ठंड पड़ती है, पर उतनी खतरनाक ठंड नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती, क्योंकि बीच में हिमालय आ जाता है तो हम बच गए, ठीक है। तो क्लाइमेटिक डिवाइड है, ड्रेनेज हिमालय के यहाँ होने की वजह से बहुत सारी नदियों का पैटर्न डिपेंडेंट है ना। अगर हिमालय यहाँ पे नहीं होता तो नदियों का जो ड्रेनेज पैटर्न है वो पूरा अलग होता, ठीक है। काफ़ी हम में से काफ़ी सारी नदियों के लिए शायद लड़ रहे होते पानी के लिए, ठीक है। कल्चरल डिवाइड भी है, मतलब हिमालय के इस तरफ अपने इंडिया में कल्चर कम्प्लीटली डिफरेंट है, ऊपर तिब्बत या चाइना की तरफ जाओगे वहाँ पे कल्चर कम्प्लीटली डिफरेंट है, ठीक है। तो हिमालय के ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है। द हिमालयाज कैन बी डिवाइडेड इंटू फॉलोइंग सब डिविजन। अब हिमालय को भी हम लोग फॉलोइंग सब डिविजन में बांट सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो इंडिया में जितना भी ज्योग्राफिकल चीज़ें थी, हमने उसे 6 हिस्सों में बांटा, उसमें से एक हिमालय था। अब हिमालय को भी हम लोग फर्दर और बांट सकते हैं, कैसे, जो कश्मीर वाला हिमालय, उसे हम कहते हैं नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय, ठीक है। और एक हिमालय होता है जिसे हम कहते हैं हिमाचल एंड उत्तरांचल हिमालय, एक होता है दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय, एक है अरुणाचल हिमालय, और एक है ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेंस, ठीक है। तो ये जैसे नाम से लग रहा ना, वैसा ही है कि कश्मीर में जो हिमालय उसे कश्मीर हिमालय कह दिया, हिमाचल और उत्तरांचल में जो है उसे हिमाचल और उत्तरांचल हिमालय कह दिया। तो इनके बारे में भी अभी हम थोड़ा इन डिटेल पढ़ेंगे, एक एक करके सबके बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय से, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन रेंजेस हैं, जैसे कि काराकोरम, लद्दाख, जस्कर और पीर पांजन, ठीक है। तो हाँ, तो आपको यहाँ ये मैंने मैप डाल दिया, ठीक है। काराकोरम ये रहा, ठीक है, लद्दाख रेंज, जस्कर
और पीर पांजल रेंज, ये हमारे जम्मू कश्मीर वाले एरिया में हिमालय के बहुत सारे ऐसे रेंजेस हैं। मैंने मार्क भी कर दिया मैप में, अगर आप चाहो तो पॉज करके आराम से देख भी सकते हो इसे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे बहुत सारे रेंजेस हैं। ओके, नेक्स्ट, द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कश्मीर हिमालय इज अ कोल्ड डेजर्ट, ठीक है। तो जो नॉर्थ ईस्टर्न वाला पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्टर्न वाला पार्ट है ये कोल्ड डेजर्ट है। ओके, और ये जो कोल्ड डेजर्ट है ये ग्रेट हिमालय और काराकोरम के बीच में पड़ता है, ठीक है। ग्रेट हिमालय और काराकोरम के एकदम बीच में पड़ता है, ठीक है। ये ऐसे लद्दाख के एरिया के बारे में बात हो रही है जो कि कोल्ड डेजर्ट है। ओके, बिटवीन ग्रेट हिमालयस एंड द पीर पांजल लाइज द वर्ल्ड फेमस वैली ऑफ कश्मीर एंड फेमस डल लेक, ठीक है। आप क्या कह रहे हैं कि ग्रेट हिमालय और पीर पांजल के बीच में, ठीक है, तो ये पूरा ग्रेट हिमालय चल रहा है और ये यहाँ पीर पांजल रेंज है, इसके बीच में क्या है, बहुत ही वर्ल्ड फेमस वैली है कश्मीर की और यहीं पर ही बहुत ही फेमस डल लेक है। आपने ज़रूर सुना होगा या गानों वानों में, मूवीज़ वगैरह में देखा होगा डल लेक को। तो डल लेक यहाँ पर है, यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स भी हैं, ठीक है। बालतोरो थोड़ा पाकिस्तान की तरफ पड़ जाता है, सियाचिन, ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट हमारे ग्लेशियर्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो हाँ, सियाचिन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो ये अपना सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक है। ये वाला जो एरिया ये थोड़ा पीओके के अंडर आ जाता है और यहाँ अक्साईचिन है, अक्साईचिन के ऊपर चाइना वालों ने कब्जा कर रखा है, ठीक है। तो मतलब हाँ, थोड़ा डाइसी सा सिचुएशन है हमारा यहाँ पे। तो हाँ, यहाँ पे ना सियाचिन ग्लेशियर का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन है, ठीक है। सियाचिन के ऊपर अभी अपना कंट्रोल है, ठीक है। सोचो अगर नहीं होता तो क्या होता, यहाँ पाकिस्तान यहाँ चाइना, इन्हें बीच में एक रास्ता भी मिल जाता साथ में कनेक्ट होने के लिए, इनकी मौज हो जाती, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब हाँ, हमारा एक मिलिट्री टेंशन चलता रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो हाँ, पर ये सियाचिन ग्लेशियर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। कश्मीर हिमालयाज आर ऑल्सो फेमस फॉर करेवा फॉर्मेशन, ठीक है। करेवा फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं कश्मीर के हिमालय, ठीक है। कश्मीर हिमालयाज करेवा फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। करेवा होता क्या है अभी हम समझेंगे इन डिटेल। तो यहाँ की जो मिट्टी होती है ना, करेवा जब फॉर्म होता है तो वो एक ऐसा लैंड फॉर्म होता है जहाँ की जो मिट्टी होती है वो बहुत ज़्यादा सैफ्रन कल्टिवेशन इन सब के लिए बहुत बढ़िया होता है, ठीक है। तो करेवा फॉर्मेशन मतलब एक ऐसी ज़मीन जो मतलब बहुत, जिसमें न्यूट्रिशन थोड़ा सा ज़्यादा हो, जिसके वजह से वहाँ पे ज़ाफ़रान, जो कि एक सैफ्रन समझते हो, केसर का एक टाइप होता है, तो सैफ्रन को वहाँ पे अच्छे से ग्रो कर पाते हैं करेवा फॉर्मेशन के वजह से। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पासेस भी हैं, पासेस समझते हो, जैसे अगर ये दो माउंटेंस हैं, दो माउंटेंस के बीच में ये एक रास्ता है, ठीक है। पूरा माउंटेन क्लाइंब करके आए उससे अच्छा तो बीच में एक छोटा सा रास्ता बनेगा, है ना, उसे पासेस कहते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पासेस भी हैं, जैसे जोजिला, ठीक है, ऐसे आपको पासेस देखने को मिलेंगे। ये जो लाल लग रहा है ना, इसका मतलब पास होता है, ठीक है। तो बहुत सारे आपको यहाँ पे पासेस भी देखने को मिलेंगे, और पासेस तो हमने अगेन अपने ज्योग्राफी के पिछले चैप्टर में इन डिटेल पासेस का पूरा मैप भी देखा था, ठीक है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो देखना, क्योंकि सोशल साइंस में मतलब आप एक सीरीज में चलोगे तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ पे फ्रेश वाटर लेक्स भी हैं, जैसे कि डल लेक जो कि हमने पढ़ा, वुलार लेक, सॉल्ट वाटर लेक भी हैं यहाँ पे, ठीक है, जैसे पैनगोंग सो, ठीक है। सो मतलब लेक्स के लिए लगाया जाता है, जैसे ला पासिस के लिए लगाया जाता है, ठीक है, सो मोरीरी, ठीक है। तो ऐसे लेक्स भी हैं, ओके। दिस रीजन इज ड्रेन्ड बाय रिवर इंडस, इस एरिया में रिवर इंडस बहता है, और रिवर इंडस के जो ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे कि झेलम, चेनाब, ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। होता क्या है ट्रिब्यूटरी का मतलब, मान लो एक नदी बह रही है, रस्ते में क्या हो रहे हैं, छोटी छोटी नदियाँ आके इस नदी के साथ जुड़ते जा रहे हैं, तो हम इसे ट्रिब्यूटरी कहेंगे। इन छोटी छोटी नदियों को जो कि एक बहुत मेन नदी से आके मिल रहे हैं, इन छोटी छोटी नदियों को हम ट्रिब्यूटरी कहेंगे। तो यहाँ पे इंडस नदी तो है ही, इंडस नदी की ट्रिब्यूटरीज जैसे कि झेलम और चेनाब, ठीक है, वो रिवर्स भी आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट क्या है, ऑब्वियस सी बात है ये कि हमारा जो कश्मीर है ये सीनिक ब्यूटी, ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल सीनरीज के लिए फेमस है, इसीलिए यहाँ पे अक्सर फिल्मों की भी बहुत ज़्यादा शूटिंग होती है। यहाँ पे टूरिज्म स्पॉट हैं, लोग अक्सर यहाँ घूमने भी जाते हैं, ठीक है, बहुत ही फेमस सोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एडवेंचर टूरिज्म भी यहाँ पे होता है। इसके अलावा यहाँ पिलग्रिमेज एरियाज भी हैं, पिलग्रिमेज एरियाज का मतलब जैसे लोग रिलीजियस रीजंस के वजह से भी यहाँ पे जाते हैं, जैसे यहाँ वैष्णो देवी है, ठीक है, अमरनाथ केव है, चरार-ए-शरीफ है, ठीक है। तो ऐसे
अलग अलग एरियाज हैं जो कि पिलग्रिमेज एरियाज हैं, ठीक है। नेक्स्ट श्रीनगर की अगर हम बात करें जो कि कैपिटल सिटी है जम्मू एंड कश्मीर का, तो वो झेलम नदी के पास आपको श्रीनगर देखने को मिलेगा, ठीक है। दल लेक इन श्रीनगर प्रेजेंट्स एन इंटरेस्टिंग फिजिकल फीचर, ठीक है। तो श्रीनगर में जो दल लेक है उसका एक फेमस सा फिजिकल फीचर है, ठीक है। क्या है फेमस सा फिजिकल फीचर? झेलम इन द वैली ऑफ कश्मीर इज स्टिल इन इट्स यूथ स्टेज एंड येट इट फॉर्म्स मीएंडर्स। तो ना नदियों की भी स्टेजेस होती हैं, जैसे अभी हिमालय और अरावली की बात कर रहे थे कि हिमालय तो यंग माउंटेन है, अरावली थोड़ा सा ओल्ड माउंटेन है ना, मैच्योर माउंटेन है। तो ऐसे रिवर्स का भी होता है, रिवर्स जब एकदम स्टार्ट होती है माउंटेन से तो हम उसे कहते हैं कि ये इसका यंग फेज है, ठीक है। तो यहाँ की जो नदी है ना वो यंग फेज में है, पर फिर भी वो हरकतें दिखाती हैं थोड़ी सी मैच्योर फेज वाली, ठीक है। तो क्या वो हरकतें दिखाती हैं? यहाँ की नदी मियांडर करती है, ठीक है। बात हो रही है झेलम की, ठीक है, कि झेलम जो है वो यूथफुल स्टेज में है पर फिर भी वो मियांडर करती है। मियांडर का क्या मतलब है? ऐसे देखो, जब नदियाँ ऐसे लूप बनाती हुई जाती है ना, ऐसे एक जिगजैग से तरीके में एस शेप बनाती हुई जाती हैं, तो हम इसे मियांडरिंग कहते हैं। अगर आपको याद हो तो 9th में आपने मियांडरिंग पढ़ा था, फिर आपने ये भी पढ़ा था कि कई बार नदी इतना मियांडर कर जाती है कि क्या होता है, यहाँ से रास्ता कट जाता है, ठीक है। जब रास्ता ये चल क्यों नहीं रहा, हाँ रास्ता कट जाता है, ठीक है। तो ऐसे रास्ता कट गया तो यहाँ वाला जो नदी का हिस्सा है वो ऐसे अलग हो जाएगा और यहाँ पे एक लेक बन जाएगा। पूरा नदी यहाँ से ऐसे ऊपर कंटिन्यू होता रहेगा, नीचे एक छोटा सा हिस्सा रह जाएगा जिसे हम ऑक्सबो लेक कहते हैं। तो ये सब थोड़ा रिवर्स थोड़ा मैच्योर स्टेज में जाके करती हैं, पर झेलम नदी के साथ हमें ये थोड़ा एक स्पेशल फीचर देखने को मिला कि वो अपने यूथफुल स्टेज में ही मियांडर करते हुए चलती है, एकदम मस्त ऐसे घूमते हुए चलती है, ठीक है। द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ दिस रीजन कंसिस्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वैलीज नोन एज दून, ठीक है। तो जो साउथ वाला पार्ट है इस एरिया का, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वैलीज बनती हैं, ठीक है। तो जैसे वैलीज मतलब माउंटेन के बीच का जो एरिया होता है ना उसे वैली कहते हैं, तो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज यहाँ पे बनती हैं जिनको दून कहा जाता है। तो आपने ऐसे सुना होगा ना देहरादून, तो दून का क्या मतलब है? लॉन्गिट्यूडनल वैली को दून कहते हैं, ठीक है। तो जम्मू दून, पठानकोट दून, ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। चलो, तो एक टाइप के हिमालय को हमने पढ़ लिया, नेक्स्ट क्या है? हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालय, ठीक है। हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। दिस पार्ट लाइज अप्रोक्सीमेटली बिटवीन राबी इन द वेस्ट एंड काली इन द ईस्ट, ठीक है। तो ये वाला जो हिस्सा है हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय, वो राबी इन द वेस्ट और काली इन द ईस्ट, इन दो नदियों के बीच वाले हिस्से की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे दो मेन रिवर सिस्टम है, कौन कौन सी? इंडस और गंगा, ठीक है। एंड ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस की, जैसे कि राबी, ब्यास, सतलुज, ठीक है। और गंगा की भी अलग अलग ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि यहाँ पर, ठीक है, फ्लो होती हैं। द नदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ हिमाचल हिमालय इज एन एक्सटेंशन ऑफ द लद्दाख कोल्ड, ठीक है। तो हिमाचल हिमालय का जो एकदम नॉर्थ वाला पार्ट है वो लद्दाख वाले एरिया का ही थोड़ा सा एक्सटेंशन है, ठीक है। द नदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ हिमाचल हिमालय इज एन एक्सटेंशन ऑफ, अच्छा ये लाइन रिपीट हो रही है और कुछ नहीं, ठीक है। लद्दाख कोल्ड का ही एक एक्सटेंशन है हिमाचल का नदर्न मोस्ट पार्ट, ठीक है। तो अभी हमने नदियों के बारे में पढ़ा तो आपको थोड़ी टेंशन सी हो गई होगी कि दीदी बहुत सारे नाम एकदम जल्दी जल्दी बोल गई, तो हम इसे एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो इस एरिया में इंडस है, ठीक है, और बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज, यहाँ झेलम है, चेनाब है, राबी है, सतलुज है, ब्याज है। तो ये सारी जो हमने नदियाँ पढ़ी वो सारी नदियाँ आपको इस एरिया में इस तरीके से जाती हुई दिखेंगी, ठीक है। तो मैंने एक बार बस आपको वो नदियाँ दिखा दी हैं, ठीक है। दीज आर द ग्रेट हिमालयन रेंजेस, द लेसर हिमालयन नोन एज धौलाधर इन हिमाचल प्रदेश एंड नक्तीभा इन उत्तराखंड एंड शिवालिक फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। तो यहाँ पे हिमालय के अलग अलग रेंजेस भी आ जाते हैं, ग्रेट हिमालयन रेंज, लेसर हिमालयन रेंज और शिवालिक रेंज, ठीक है। तो इस मैप को देखो, हमने अभी बार बार पढ़ा कि हिमालय के अलग अलग रेंजेस हैं, पर जब तक आप एक बार मैप में देखोगे नहीं कि वो रेंजेस कहाँ कहाँ हैं आपको वो याद नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ग्रेट हिमालय, तो ये हमारे इंडिया का ऊपर का मैप है ना। ग्रेट हिमालय की बात करें तो ये वाला जो एरिया है, ठीक है, यहाँ पे हमारे ग्रेट हिमालयाज होते हैं, ठीक है। उसके एकदम नीचे पैरेलली ये वाला जो एरिया है, ठीक है, यहाँ पे हमारे थोड़े लेसर हिमालयन रेंजेस होते हैं। और अगर आप एकदम नीचे आ जाओ तो ये वाला जो एरिया है इसे हम लोग शिवालिक कहते हैं, ठीक है।
इन दिस सेक्शन ऑफ लेसर हिमालय एल्टीट्यूड बिटवीन 1000 टू 2000 स्पेशली अट्रैक्टेड द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन. तो कह रहे हैं कि लेसर हिमालय वाला जो एरिया है, स्पेशली 1000 से लेके 2000 मीटर के एल्टीट्यूड वाला जो एरिया है, इस एरिया से खास लगाव था ब्रिटिशर्स को. ठीक है, ब्रिटिशर्स इंडिया में बहुत परेशान रहते थे, उनसे हमारा क्लाइमेट सहन नहीं होता था. तो जाहिर सी बात है कि उन्हें जम्मू कश्मीर जैसे एरियाज या मतलब हिमालयाज जैसे एरियाज अच्छे लगेंगे क्योंकि वहाँ पे ठंड होती थी. तो लेसर हिमालयाज में पर्टिकुलरली वो लोग ज़्यादा रहते थे. यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे हिल स्टेशंस बनाए, धर्मशाला, मसूरी, शिमला. ठीक है, ये सारे जो नाम आप सुनते रहते हो. ठीक है, इन सारे एरियाज को डेवलप इन्होंने करना स्टार्ट करा, हिल स्टेशन बनाया, क्योंकि इन लोगों को वहाँ का क्लाइमेट बढ़िया लगता था. ठीक है, हाँ, तो ये तो हमने पढ़ लिया है. नेक्स्ट क्या है, द टू डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ दिस रीजन. अब इस रीजन में दो स्पेशल फीचर्स हैं, एक तो है अपना शिवालिक, ठीक है, और एक है डून फॉर्मेशन. ठीक है, डून फॉर्मेशन हमें पता है, जब लॉन्गिट्यूडनल वैली बनती है तो उसे हम डून कहते हैं. शिवालिक भी अभी हमने मैप में देख लिया. तो दो स्पेशल फीचर्स इस रीजन में क्या है कि यहाँ शिवालिक भी है, यहाँ डून की फॉर्मेशन भी होती है. तो जो मैं आपको देहरादून वगैरह बता रही थी ना, जिसके बारे में हमने डून वर्ड हमने पढ़ लिया था पहले ही कश्मीर का जब पढ़ रहे थे, तो देहरादून पर्टिकुलरली इस एरिया का पार्ट है. ठीक है, देहरादून और हरी के दून. तो ऐसे ये जो डून वर्ड लग रहा है इससे डरना नहीं है, हमने पढ़ लिया लॉन्गिट्यूडनल वैली है. ठीक है, तो इसमें देहरादून के बारे में याद रखना, देहरादून लार्जेस्ट है, जितने भी डून्स हैं उसमें से लार्जेस्ट है. और इसकी अप्रॉक्सीमेट लेंथ क्या है, 35 से 45 किलोमीटर और 22 से 25 किलोमीटर इसकी विड्थ रहेगी. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम ग्रेट हिमालय की बात करें, अभी ग्रेट हिमालय देखा मैप में, तो ग्रेट हिमालयन रेंज में अलग अलग ट्राइब्स भी रहते हैं. एक ट्राइब है जिनको भोतियास कहा जाता है. ठीक है, तो उन्हीं की इमेज भी मैंने यहाँ पे डाल दी है. यहाँ पे अलग अलग ट्राइब भी रहते हैं, भोतिया ट्राइब के लोग भी यहीं पर रहते हैं. ये नोमैडिक इन नेचर है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं. ठीक है, ये लोग माइग्रेट करते रहते हैं. समर में ये ऐसे एरिया में चले जाते हैं जहाँ थोड़ी सी ठंड हो. ठीक है, और विंटर में ऐसे एरिया में थोड़ा नीचे की तरफ आ जाते हैं जहाँ थोड़ी गर्मी हो. और जो हमारा बहुत ही फेमस वैली ऑफ फ्लावर्स है वो भी इसी रीजन में सिटुएटेड है. ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर्स की मैं बहुत ही ब्यूटीफुल फोटो लाई हूँ. ठीक है, मतलब ये एक वैली है, आप इमेजिन करके देखो, एक ऐसी वैली जो फ्लावर्स से भरी हुई है, इसलिए इसका नाम है वैली ऑफ फ्लावर्स. एक वैली का एरिया जो फ्लावर्स से भर रखा हो. ठीक है, और एक तो मुझे फोटो ऐसे देखने को मिली थी, मैं मतलब एकदम मस्त बह गई थी उस फोटो को देखकर. ठीक है, उसमें सारे ऐसे अलग अलग कलर्स के फ्लावर्स लगे हुए थे, पर उसकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी सी डाउनलोड नहीं हो रही थी, तो मैं ये वाली फोटो ले आई. ठीक है, इसमें देखो आसमान कितना प्यारा प्यारा सा हो रहा है. ठीक है, तो वैली ऑफ फ्लावर्स एरिया भी यहीं पर ही है. अगर आप यहाँ पे जाते हो कभी तो मुझे याद कर लेना ऐसे कि हाँ दीदी कुछ कह तो रही थी. ठीक है, पढ़ा तो था 11th क्लास में कभी इसके बारे में. तो वैली ऑफ फ्लावर्स भी इसी रीजन में है. यहाँ पे बहुत सारे पिलग्रिमेज प्लेसेस भी हैं. अगेन, लोग रिलीजियस रीजन से भी यहाँ पे आते हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ. ठीक है, तो गंगोत्री, यमुनोत्री, ये गंगा, यमुना, इन सब के ग्लेशियर्स. ठीक है, ये सारे ग्लेशियर्स आपको, इसके अलावा केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सारे नाम हमने सुन रखे हैं, है ना. तो ये सारे जो पिलग्रिमेज एरिया हैं, हेमकुंड साहिब, ये सारे पिलग्रिमेज एरिया यहाँ पे आपको मिलेंगे. बहुत सारे प्रयाग भी. ठीक है, प्रयाग मतलब एक ऐसा एरिया जहाँ पे रिवर्स हमारे मिल रहे हैं. ठीक है, जैसे देव प्रयाग हो गया, तो बहुत सारे प्रयाग भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे. हमारे बुक में एक क्वेश्चन दे रखा है जो कि आप बच्चों का होमवर्क है. ठीक है, मुझे कॉमेंट सेक्शन में किसी भी एक फेमस प्रयाग का नाम बताओ. ठीक है, हो सके तो ये भी बताओ, हो सके तो नहीं, होना तो चाहिए, देखो प्रयाग बताओ, साथ ही साथ ये भी बताओ वहाँ पे किन रिवर्स से वो प्रयाग बन रहा है. ठीक है, तो ये प्रयाग वाले एरियाज भी आपको यहीं पे देखने को मिलेंगे. नेक्स्ट क्या है, दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय. दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के बारे में बात करते हैं. दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय के आसपास हमारे नेपाल के हिमालयाज आ जाते हैं वेस्ट में, और भूटान के हिमालयाज आ जाते हैं ईस्ट में. ठीक है, तो दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय कैसे है कि उसके वेस्ट में नेपाल है और ईस्ट में भूटान है. ठीक है, ये वाला जो एरिया हिमालय का, ये छोटा सा है पर ये अगेन इम्पोर्टेंट है. ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा, वेस्ट में नेपाल और ईस्ट में भूटान हिमालयस, है ना. तो ये अपना दार्जिलिंग सिक्किम हिमालय वाला रीजन है, ये रहा दार्जिलिंग. ठीक है, तो इसके वेस्टर्न साइड में नेपाल है, ईस्टर्न साइड में भूटान है. ठीक है, ऐसे मैप से देखोगे तो थोड़ा और आसानी से याद होगा. ठीक है, यहाँ पे बहुत तेज बहती हुई नदियाँ जाती हैं, जैसे कि तीस्ता नदी, बहुत फास्ट फ्लोइंग एक रिवर है, वो यहाँ से बहती है. ठीक है, यहाँ पे बहुत हाई माउंटेन पीक्स हैं. ठीक है, बहुत हाई माउंटेन पीक्स हैं, जैसे कि अपना कंचनजंगा हो गया, कंचनजंगा यहाँ पे है. ठीक है,
नेक्स्ट यहाँ पे लेपचा ट्राइब के लोग रहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा लेपचा ट्राइब के लोग तो रहते ही हैं, इसके अलावा और भी अलग अलग लोग, जैसे यहाँ पे देखो नेपाल कितना पास है, भूटान कितना पास है, वेस्ट बंगाल कितना पास है, तो हर टाइप के लोग यहाँ पे रहते हैं, नेपालीज, बंगालीज और भी अलग अलग ट्राइब के लोग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अभी हमने लेपचा ट्राइब पर आना, तो उन्हीं की, लेपचा ट्राइब की ही एक इमेज मैंने यहाँ पे डाल दी है, ठीक है। द ब्रिटिश टेकिंग एडवांटेज ऑफ फिजिकल कंडीशन, अब यहाँ की ना फिजिकल कंडीशन बहुत बढ़िया है, यहाँ पे ठीक ठाक स्लोप है, बहुत तेज ढलान नहीं है, यहाँ पे बहुत थिक सॉइल है, ठीक है, और यहाँ पे बहुत बढ़िया बारिश भी होती है, हल्की हल्की ठंड पड़ती है यहाँ पे। तो इन कंडीशंस का फायदा उठा के ब्रिटिशर्स ने क्या करा था, यहाँ पे टी प्लांटेशन स्टार्ट करा था। टी प्लांटेशन मतलब बहुत बड़ी ज़मीन पे सिर्फ टी के प्लांट्स लगाकर ये लोग ग्रो कर रहे थे। तो ब्रिटिशर्स ने इन क्लाइमेटिक कंडीशन का फायदा उठा के यहाँ पे टी प्लांटेशन भी स्टार्ट करा था, ठीक है। तो एज कम्पेयर टू अदर सेक्शंस ऑफ हिमालय, दीज अलॉन्ग विद अरुणाचल आर कॉन्स्पिशियस बाय एब्सेंस ऑफ शिवालिक फॉर्मेशंस, यहाँ पे शिवालिक फॉर्मेशंस नहीं है, ठीक है। तो शिवालिक की जगह यहाँ पे हम कहते हैं कि द्वार फॉर्मेशंस होता है, ठीक है, विच हैव बीन यूज फॉर डेवलपमेंट ऑफ टी गार्डन्स, ठीक है। तो यहाँ के जो स्ट्रक्चर्स हैं उसे हम कहते हैं द्वार फॉर्मेशन, एंड द्वार फॉर्मेशन से क्या होता है, वहाँ की कंडीशन अच्छी हो जाती है जिससे हम टी गार्डन्स को ग्रो कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो एरिया है सिक्किम दार्जिलिंग, ये ऐसे एरियाज हैं जहाँ लोग घूमने जाते हैं, तो ऑफकोर्स ये सीनिक ब्यूटी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल एरिया है, बहुत बढ़िया ब्यूटीफुल से नज़ारे आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, अरुणाचल हिमालय के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इट दीज एक्सटेंड फ्रॉम द ईस्ट ऑफ भूटान हिमालय, भूटान हिमालय के ईस्ट से, ठीक है, और दीपू पास तक अरुणाचल हिमालयाज होते हैं, ठीक है। तो देखो पासिस के बारे में हम लोगों ने इन डिटेल पढ़ ही रखा है, अभी मैं आपको ये नामचा बरवा ये सब बताती हूँ, तो आपको मैप के थ्रू थोड़ा और अच्छे से समझ आएगा। द जनरल डायरेक्शन ऑफ माउंटेन रेंज इज फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, एक बार फिर से देख लो, हमने अभी डायरेक्शन देखना सीखा था ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। तो क्या डायरेक्शन बता रहे हैं अरुणाचल हिमालय का, साउथ वेस्ट से लेकर, ठीक है, साउथ वेस्ट ये रहा, नॉर्थ ईस्ट तक, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में हमारे ये माउंटेन रेंजेस लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स भी दिखेंगे, ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ कांगटू दिखेगा और नामचा बरवा भी दिखेगा, ठीक है। नामचा बरवा एकदम यहाँ एंड में है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऐसे बहुत सारे पीक्स भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। दीज रेंजेस आर डाइसेक्टेड बाय फास्ट फ्लोइंग रिवर्स, अब ये जो माउंटेन रेंजेस हैं इन्हें बीच बीच में से नदियाँ काट देती हैं, क्योंकि यहाँ की नदियाँ बहुत तेज बहती हैं, जब बहुत तेज बहती हुई नदियाँ निकलती हैं तो वहाँ पे गॉर्ज बन जाता है, जो कि हमने अभी डायग्राम में देखा भी था जब हम हिमालय के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी है यहाँ पे जो बहुत तेज बहती हुई जाती है, ठीक है। इसके अलावा कामेंग है, सुबानसरी है, दिहांग है, दिबांग है, लोहित है, ठीक है, ऐसी बहुत सारी नदियाँ यहाँ पे जो बहुत तेज बहती हुई निकलती हैं। दीज आर पेरिनियल विथ हाई रेट ऑफ फॉल, दस हैविंग हाईएस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल इन दी कंट्री, सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, कह रहे हैं कि यहाँ की जो नदियाँ हैं ना ये बहुत तेज बहती हैं, पेरिनियल हैं, पेरिनियल मतलब पूरे साल इन नदियों में पानी रहता है, जैसे कुछ नदियाँ ऐसी होती हैं जिनमें पूरे साल पानी नहीं रहता, कुछ महीने तक पानी रहता है फिर सूखा पड़ जाता है, पर ये जो नदियाँ इनमें पूरे साल पानी रहता है, पेरिनियल नदियाँ हैं ये, एंड ये इतनी तेज़ बहती हैं कि ये नदियाँ बेस्ट रहती हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ भी रहती हैं, ठीक है, जैसे अगर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइबल कम्युनिटीज़ की बात करें तो मोनपा, अबोर, मिशमी, ठीक है, नीशी, नागास, ऐसे बहुत सारे अलग अलग ट्राइब हैं। यहाँ पे मैंने मोनपा वुमेन की एक इमेज डाल दी आपके थोड़े से रेफरेंस के लिए। ट्राइबल लोग अक्सर झूमिंग करते हैं, झूमिंग हमें पता है छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, स्लैश एंड बर्न भी जिसे हम कहते हैं, शिफ्टिंग कल्टिवेशन भी कहते हैं, कुछ नहीं करते, फॉरेस्ट के एक हिस्से को काट देते हैं, फिर जला देते हैं, फिर वहाँ पे राख बनती है, राख को मिट्टी के साथ मिक्स करते हैं, फिर वहाँ पे खेती करते हैं, उसे झूमिंग कहते हैं। हाँ, झूमिंग वैसे इतना अच्छा नहीं होता एनवायरनमेंट के लिए, ट्राइबल्स वैसे बहुत लिमिटेड स्केल में करते हैं, इंडस्ट्रीज उससे ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं, पर हाने वदलेस इस एरिया में झूमिंग जैसी चीज़ें भी चलती हैं। यहाँ बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, यहाँ का कल्चर बहुत ज़्यादा रिच है। नेक्स्ट, ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेंस, हमारे ईस्ट के जो हिल्स और माउंटेंस हैं उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। दीज आर पार्ट ऑफ हिमालयन माउंटेन सिस्टम, ठीक है, ये भी हिमालयन माउंटेन सिस्टम का ही पार्ट है,
और ये नॉर्थ से लेकर साउथ के डायरेक्शन में लगे हुए हैं और इन्हें अलग अलग लोकल नेम्स के साथ भी जाना जाता है। ठीक है, तो नॉर्थ में इसको हम पटकई बम कहते हैं, नागा हिल्स और मणिपुर हिल्स कहते हैं। साउथ में इस हिल को मीजो और लुशई हिल्स कहते हैं। ठीक है, तो अलग अलग नाम से ये हिल्स जाने जाते हैं। दीज आर लो हिल्स, बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत नहीं है, छोटे छोटे हिल्स हैं। यहाँ पे भी बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं जो कि झूमिंग करते हैं। ठीक है, तो अभी एक बार फिर से देख लो, पटकई, नागा, मणिपुर हिल्स, ठीक है, ये सारे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, पटकई हो गया, उसके नीचे ही देखो नागा हो गया, ठीक है, यहाँ पे मीजो हिल्स हो गया। अच्छा, इसे भी देख लो साथ साथ, गारो, खासी, जैंतिया हिल्स, ये तीनों ऐसे साथ में लगे हुए हैं, इनके बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे। मैं तब फिर से ये मैप दिखा दूंगी, पर हाँ, आप देख ही रहे हैं तो सारे देख लो, है ना। तो ये हिल्स हैं यहाँ पे, और हमने जो मीशमी हिल्स वगैरह पढ़ा था ये रहा, ठीक है, तीस्ता नदी पढ़ा था ना ये रहा। ठीक है, तो ऐसे अगर आप इस चैप्टर के बीच बीच में मैप्स को देखते रहोगे तो आपको थोड़ा और आसान लगेगा ये चैप्टर। ठीक है, मोस्ट ऑफ दीज रेंजेस आर सेपरेटेड बाय स्मॉल रिवर्स। यहाँ पे क्या है, बीच बीच में माउंटेन्स के नदियां बह रही हैं, तो माउंटेन एकदम कंटिन्यूस नहीं है, बीच बीच में रिवर्स के वजह से माउंटेन सेपरेट हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिवर है बराक नदी, ठीक है, जो कि मणिपुर और मिजोरम में फ्लो होती है। और मणिपुर के बारे में एक यूनिक बात यह है कि यहाँ पे एक बहुत ही लार्ज लेक है जिसको हम कहते हैं लोकतक लेक। ठीक है, सराउंडेड बाय माउंटेन्स फ्रॉम ऑल साइड, ये जो लेक है ये सारे तरफ से माउंटेन्स से सराउंडेड है। ठीक है, तो ये लोकतक लेक है। लोकतक लेक में पता है क्या होता है, एक स्पेशल फीचर लोकतक लेक में ये है कि इसके ऐसे बीच में ना ऐसा ऑर्गेनिक सा एक मटेरियल बन जाता है जिसके थ्रू ऐसा लगता है कि मतलब एक फ्लोटिंग लैंड टाइप है लेक के बीच में। ठीक है, तो ये हमारा लोकतक लेक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, मिजोरम को मोलासेस बेसिन भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सॉफ्ट और ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं वो आके डिपॉजिट हो जाती हैं जिससे एक बेसिन बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज भी बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, वाइल टू रिवर्स ऑफ मिजोरम एंड मणिपुर आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ बराक रिवर। ठीक है, दो नदियाँ ऐसी हैं मिजोरम और मणिपुर की जो कि बराक नदी की ट्रिब्यूटरी हैं। ठीक है, विच इन टर्न बराक नदी मेघना नदी की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, दीस रिवर्स इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ मणिपुर आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ चिंडविन। ठीक है, तो एक के बाद एक ट्रिब्यूटरी के बारे में बताया जा रहा है आपको। ठीक है, कि बराक रिवर की ट्रिब्यूटरी है, बराक मेघना की ट्रिब्यूटरी है, और ये सारे रिवर्स चिंदविन नाम के एक रिवर की ट्रिब्यूटरी हैं। ठीक है, तो अगेन आप ये थोड़ा सा मैप देख सकते हो जिससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा। ठीक है, बराक रिवर के बारे में हमने पढ़ा, तो एकदम यहाँ पे आ जाओगे तो यहाँ पे आपको बराक रिवर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी हमें बताया जा रहे हैं कि यहाँ पे ऐसी ऐसी रिवर्स हैं और वो ट्रिब्यूटरीज हैं। चलो, तो अब हम फाइनली नदन प्लेन्स को थोड़ा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में आ गए हैं, नदन प्लेन्स। आई होप यहाँ तक क्लियर है, आगे देखते हैं नदन प्लेन्स क्या होता है। ठीक है, तो नदन प्लेन्स मतलब नॉर्थ में एक प्लेन एरिया है जो कि इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के सेडिमेंट से बना है, उसे हम नदन प्लेन कहते हैं। अप्रोक्सीमेटली 3200 किलोमीटर तक एक्सटेंडेड है ये। ठीक है, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक। विड्थ की बात करें तो 150 से लेकर 300 किलोमीटर तक का विड्थ है। तो ये हमारा जो इंडिया का नॉर्थ वाला पोर्शन है, इसमें ये जो भी ऑरेंज एरिया आपको दिख रहा है ये पूरा अपना नदन प्लेन है जो कि इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र के सेडिमेंट से एक प्लेन एरिया बना है। ठीक है, अब क्या है, हम इस पूरे एरिया को भी अलग अलग जोन्स में बांट सकते हैं। तो मेजर जोन्स क्या हैं, एक होता है भाबर, एक होता है तरई और एक होता है एलुवियल प्लेन। अभी नाम सुनते जाओ, अभी एक डायग्राम दिखाऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। एलुवियल प्लेन को आप और दो कैटेगरी में बांट सकते हो, एक को कहते हैं खादर, एक को कहते हैं भानगढ़। अगर आपको याद हो तो हमने क्लास 10th में भी ये चीज़ पढ़ी थी जब हम एलुवियल सॉइल के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो ये हिमालय है, हिमालय से जैसे ही आप थोड़ा नीचे की तरफ आओगे नदन प्लेन्स में, तो एक ऐसा एरिया है जहाँ पे थोड़े बड़े से पत्थर हैं। ठीक है, उस एरिया को भाभर कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम नदन प्लेन्स की तीन डिवीजन को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पहला डिवीजन क्या है, हिमालय से एकदम नीचे उतरोगे तो एक ऐसा एरिया जहाँ थोड़े बड़े बड़े से पत्थर हैं उसे भाबर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप इस एरिया में आ जाओगे ना तो इस एरिया को हम कहते हैं तराई। ठीक है, तो क्या होता है, भाबर के नीचे ना ऐसे नीचे नदियों का पानी चला जाता है,
नदियों का पानी ऐसे नीचे नीचे जाकर इस एरिया में आता है और यहाँ पे थोड़ा सा एक दलदली सा एक एरिया बन जाता है, उसे तराई कहते हैं हम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर कोई रिवर बह रही हो, ठीक है, तो यहाँ पे एक रिवर है, तो रिवर के एकदम पास जो एलुवियल सॉइल डिपॉजिट होता है ना, उसे हम खादर कहते हैं। तो खादर बहुत मतलब यंग सा सॉइल होता है, मतलब बहुत फर्टाइल सॉइल होता है, और जो पुराना सा सॉइल है वो खादर से थोड़ा और दूर चला जाता है, जिसे हम कहते हैं भानगढ़, ठीक है। तो इसमें थोड़े कंकड़ वगैरह ज़्यादा होते हैं, वो ज़्यादा इतना फर्टाइल नहीं होता। तो हम ऐसे नदन प्लेन्स को बांट सकते हैं पूरे ऐसे एरिया में, भाबर, तरई, भानगर और खादर, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, भानगर अलग है, भाबर अलग है, ओके। तो ऐसे हमारा नदन प्लेन्स है, ठीक है। तो अभी वैसे तो मैंने आपको समझा ही दिया, थोड़ा एनसीईआरटी की भाषा में भी समझ लेते हैं। भाबर क्या है? ये एक नैरो बेल्ट है जो कि 8 से 10 किलोमीटर का होगा, शिवालिक के पैरेलल, शिवालिक मतलब हिमालय का ये जो नीचे वाला हिस्सा है उसके एकदम पैरेलल चलता है, ठीक है। हम देखते हैं कि यहाँ से जो रिवर्स हैं, रिवर्स इस जोन के बाद गायब हो जाती हैं। नदियाँ आई, नदियाँ फिर उसके बाद ऐसे नीचे नीचे चली जाती हैं इन पत्थरों के, फिर यहाँ पे जाती हैं, तो रिवर्स यहाँ से गायब होने लग जाती हैं, ठीक है। साउथ ऑफ भाबर इस तराई बेल्ट, ठीक है। तो भाबर के नीचे जाओगे तो तराई बेल्ट है, उसका विड्थ क्या है, 10 से 20 किलोमीटर के बीच में है, ठीक है। और यहाँ पे एक मार्शी और स्वैम्पी सा एरिया बनता है, मैंने आपको बताया, ठीक है। पानी यहाँ आके गायब हो जाता है, पानी नीचे 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 गया और यहाँ आके एक दलदली सा एरिया बना देता है, जिसे हम तराई कहते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया था, हाँ, स्वैम्पी कंडीशन है जिसे हम तराई कहते हैं, ठीक है। तो ये जो एरिया है, यहाँ पे बहुत अच्छा नेचुरल वेजिटेशन ग्रो होता है, अलग अलग वाइल्ड लाइफ एनिमल्स भी आपको दिख जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप और नीचे जाओगे तराई के, तो आपको भानगर और खादर देखने को मिलेगा, ठीक है। भानगर और खादर क्या होते हैं ये भी हमने इन डिटेल समझ लिया है, ठीक है। दीज प्लेन्स हैव कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, ठीक है। ये जो प्लेन है यहाँ पे आपको थोड़े और अलग स्पेशल फीचर्स देखने को मिलेंगे। यहाँ सैंड बार्स बन जाते हैं, यहाँ पे मियांडर नदियाँ ऐसे मियांडर करती हुई जाती हैं, ऑक्सबो लेक बनाते हैं, ब्रेडेड चैनल्स बनाते हैं, ठीक है। इस टाइप का एक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है ये प्लेन एरिया है, अब नदियाँ उतना तेज बहती हुई नहीं आ रही, प्लेन सरफेस पे नदी धीरे धीरे चलती है, तो इस टाइप का एक स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। द ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स आर नोन फॉर देयर रिवरीन आइलैंड एंड सैंड बार्स, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा जो प्लेन है, ब्रह्मपुत्रा वाला जो प्लेन है, यहाँ पे रिवरीन आइलैंड्स बनते हैं, रिवर के बीच में अगर एक आइलैंड बन जाए तो हम उसे रिवरीन आइलैंड कहते हैं, ठीक है। सैंड के बीच बीच में बार्स आ जाए उसे सैंड बार्स कहते हैं, तो सैंड बार्स, रिवरीन आइलैंड, ये सब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे नदियाँ इतनी बहती हैं तो यहाँ पे कभी कभी फ्लड भी आ जाता है, कभी कभी नदियों का डायरेक्शन भी थोड़ा इधर उधर चेंज हो जाता है। इसी एरिया में आपको बहुत सारे डेल्टास देखने को मिलेंगे। डेल्टा हमने पढ़ लिया क्या होता है, डेल्टा भी तभी बनता है जब नदी स्लो डाउन होने लगे, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे डेल्टास देखने को मिलेंगे, और यहीं पे ही बहुत ही फेमस अपना सुंदरबन डेल्टा है, ठीक है। तो सुंदरबन डेल्टा भी आपको यहीं पे देखने को मिलेगा, सुंदरबन तो काफ़ी बड़ा डेल्टा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हरियाणा और दिल्ली की, तो हरियाणा और दिल्ली एक वाटर डिवाइड का काम करते हैं इंडस और गंगा रिवर के बीच में। वाटर डिवाइड क्या होता है, ठीक है, मान लो यहाँ पे अपनी इंडस चल रही है, मान लो यहाँ पे एक गंगा है, ठीक है, मान लो दो ऐसे रिवर सिस्टम है, और बीच में जमीन थोड़ा सा ऐसे ऊंचा हो रखा है, जिसके वजह से ये दोनों नदी का पानी बढ़ गया, यहाँ पे गंगा, यहाँ पे इंडस, बीच में एक थोड़ा जमीन ऐसे उठा हुआ है, तो हम इसे कहेंगे वाटर डिवाइड, पानी को बांट दिया ना, क्योंकि जमीन बीच में से उठ गई, तो हम इसे वाटर डिवाइड कहते हैं। तो दिल्ली, हरियाणा, ये सब एक वाटर डिवाइड का काम करते हैं इंडस और गंगा रिवर सिस्टम के लिए, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र के बारे में आपको बताया है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में जा रही होती है, उसके बाद क्या होता है कि ये एक 90 डिग्री का टर्न लेती है अचानक से, ठीक है, धुबरी के पास, उसके बाद ये नदी बांग्लादेश चली जाती है, ठीक है। तो अपने इंडिया में भी और बांग्लादेश में भी ये नदी चली जाती है, ओके। दीस रिवर वैली प्लेन्स हैव फर्टाइल एलुवियल सॉइल, नदन प्लेन्स में ना बहुत बढ़िया मिट्टी होती है, ठीक है, बहुत फर्टाइल एलुवियल सॉइल होता है, एंड इस फर्टाइल एलुवियल सॉइल के चलते नदन प्लेन्स में आप देखोगे बहुत ज़्यादा खेती होती है। पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा खेती नदन प्लेन्स में ही होती है, यहाँ पे वीट, राइस, शुगर केन, जूट, इस टाइप के प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं पेनिनसुला प्लेटियो के बारे में, ठीक है। तो अगर ये हमारी इंडिया का मैप है तो ये वाला जो एरिया है ये हमारा पेनिनसुला प्लेटियो है। पेनिनसुला प्लेटियो के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है।
तो इसकी हाइट क्या है, 150 मीटर अबव रिवर प्लेन्स, ठीक है, 600 से लेके 900 मीटर के ऊंचाई में है, एक इररेगुलर सा ट्राइंगल, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट एक ट्राइंगल की तरह इररेगुलर ट्राइंगल सा एक शेप है हमारे पेनिनसुला प्लेट्यू का, ठीक है। इसके आप देखोगे नॉर्थ वेस्ट में दिल्ली का रिज है, ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट का जो एरिया है यहाँ पे दिल्ली का रिज पड़ जाता है, ठीक है। फिर ईस्ट में देखोगे राजमहल हिल्स है, ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पे राजमहल हिल्स आ जाता है, ठीक है। फिर वेस्ट में अगर आप जाओगे तो गिर रेंज आ जाएगा, ठीक है, और साउथ में कार्डमम हिल्स, ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखोगे साउथ में कार्डमम हिल्स, यहाँ पे गिर रेंज आ जाता है, तो ऐसे हर एक एरिया से ये इस तरीके से सराउंडेड है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में भी इसका एक हिस्सा है, ठीक है, ये अभी हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था, मैं मैप में दिखा दूंगी आपको, ठीक है। हाँ, तो ये जो हिस्सा है ना, एक नॉर्थ ईस्ट में भी एक छोटा सा हिस्सा है इस पूरे पेनिनसुलर इंडिया का, ठीक है, पर हाँ बीच में एक डिवाइड आ जाता है, ठीक है, बीच में एक खाली सा एरिया, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में हमारा पेनिनसुलर कंटिन्यू होता है, ठीक है। चलो, इन द फॉर्म ऑफ शिलोंग एंड कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू, ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट में शिलोंग और कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू के फॉर्म में आपको ये कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप पेनिनसुला इंडिया की बात करो तो यहाँ पे बहुत सारे प्लेट्यूज आपको दिख जाएंगे, जैसे कि हजारीबाग प्लेट्यू, ठीक है, पलामू प्लेट्यू, रांची प्लेट्यू, तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे प्लेट्यू, ठीक है, प्लेट्यू मतलब ऐसे रेज्ड जमीन, आपको एक स्टेज लाइक स्ट्रक्चर, टेबल टॉप स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, मालवा प्लेट्यू, कोयम्बतौर प्लेट्यू, कर्नाटका प्लेट्यू, ऐसे बहुत सारे प्लेट्यूज आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ, ठीक है। तो एक बार प्लेट्यू को देख लो आप, थोड़ा बहुत आपको आइडिया लगेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे नीचे की तरफ हमारा कर्नाटका प्लेट्यू है, ठीक है, ऊपर की तरफ जाओगे मारवाड़ प्लेट्यू आ जाएगा, ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे प्लेट्यू, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है, यहाँ थोड़ा नीचे तमिलनाडु की तरफ भी कोयम्बतूर का प्लेट्यू आ जाता है, तो ऐसे बहुत सारे प्लेट्यू हमारे पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है, ठीक है। द जनरल एलिवेशन ऑफ प्लेट्यू इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, तो जनरली जो प्लेट्यू है उनका हाइट कैसे है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, विच ऑल्सो प्रूव्स बाय द पैटर्न ऑफ फ्लो ऑफ रिवर्स, ठीक है, तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ एक स्लोप क्रिएट होता है यहाँ पे, और इसी डायरेक्शन में सारी नदियां हमें बहती हुई दिखती हैं, ठीक है, तो नदियां ऐसे वेस्ट से लेकर ईस्ट की तरफ, बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती हैं, ठीक है, इस एरिया में। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको तोर्स, ब्लॉक माउंटेन्स, रिफ्ट वैली, रॉकी स्ट्रक्चर्स, हमकी हिल्स, ठीक है, वॉल लाइक क्वार्ट्जाइट डाइक्स, इस टाइप के आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें से कुछ वर्ड्स जो आपको नहीं आ रहे होंगे समझ, जैसे कि तोर समझ नहीं आ रहा होगा, ठीक है, हमकी हिल्स मतलब माउंटेन्स के बीच बीच में जो ऐसे छोटे छोटे हिल्स होते हैं उनके बारे में कहा जा रहा है, वो मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ। तोर्स क्या होता है, जैसे मान लो प्लेन ज़मीन है और बीच में बहुत सारे ऐसे पत्थर आ जाएं, फिर से एक प्लेन ज़मीन आ जाए, तो हम उसे टॉर्स कहते हैं, ठीक है, जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है ये एक टॉर है, ठीक है। नेक्स्ट, डाइक क्या होता है, दो माउंटेन्स के मतलब माउंटेन के बीच में अगर ऐसा एक स्पेस आ जाए, तो ये जो एक वर्टिकल पोर्शन सा होता है इसे हम डाइक कहते हैं, तो ये सारे फीचर्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ना बहुत सारे फॉल्ट्स हैं, बहुत सारे फ्रैक्चर्स आए हैं, बहुत सारा शिफ्टिंग वगैरह आपको पेनिनसुला प्लेट्यू में देखने को मिलेगा, ठीक है। दीज स्पेशल वेरिएशंस हैव ब्रॉट इन एलिमेंट्स ऑफ डाइवर्सिटी, क्योंकि यहाँ पे इतना वेरिएशन हो रखा है, क्योंकि यहाँ पे फॉल्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्चर्स हो रखे हैं, ज़मीन थोड़ी खिसक रखी है, तो यहाँ पे आपको अलग अलग फीचर्स देखने को मिलेंगे, रवीन, गॉर्जेस, ये सब देखने को मिलेगा, ठीक है, चंबल, भीन, मोरेना, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, जो पेनिनसुला प्लेट्यू है, पेनिनसुला प्लेट्यू को हम और तीन हिस्सों में बांट सकते हैं, डेक्कन प्लेट्यू, सेंट्रल हाईलैंड और नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू, ठीक है, ऐसे तीन हिस्सों में बांट सकते हैं, डेक्कन प्लेट्यू, सेंट्रल हाईलैंड और नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। तो सबके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। डेक्कन प्लेट्यू देखो ये रहा, ठीक है, डेक्कन, सेंट्रल और नॉर्थ ईस्टर्न, ठीक है, डेक्कन ये वाला सेंट्रल और ये नॉर्थ ईस्टर्न, ठीक है, तो हमारा जो प्लेट्यू है हम उसे फर्दर तीन हिस्सों में बांट सकते हैं, डेक्कन प्लेट्यू, सेंट्रल हाईलैंड वाला हिस्सा और नॉर्थ ईस्टर्न,
ठीक है, तो अब एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले डेक्कन प्लेट्यू के बारे में पढ़ते हैं। तो डेक्कन प्लेट्यू में क्या है, वेस्ट की तरफ वेस्टर्न घाट है, ठीक है। तो अगर ये हमारा डेक्कन प्लेट्यू है तो वेस्ट की तरफ ये वेस्टर्न घाट है, ईस्ट की तरफ आप देखोगे तो ईस्टर्न घाट है इस तरफ, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखोगे मैकाल रेंज, महादेव हिल्स, ये सब आपको नॉर्थ में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स की अगर हम बात करें तो वेस्टर्न घाट्स को लोकली अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट को कहते हैं सह्याद्री, ठीक है। कर्नाटका में कहते हैं नीलगिरी हिल्स, कर्नाटका तमिलनाडु, ठीक है। अन्नमलई हिल्स या कार्डमम हिल्स कहा जाता है केरला में। तो वेस्टर्न घाट को अलग अलग रीजन में अलग अलग लोकल नाम से जानते हैं, ये से वन मार्कर में आ सकता है, ये अलग अलग नाम याद रखना, ठीक है। वेस्टर्न घाट और अगर ईस्टर्न घाट को थोड़ा सा कंपेयर करके देखें, वेस्टर्न घाट कंपैरेटिवली ज़्यादा ऊंचे होते हैं और कंटिन्यूस होते हैं, ठीक है, मतलब कंटिन्यूसली लगे हुए हैं। ईस्टर्न घाट थोड़े से साइज में हाइट में छोटे हैं और कंटिन्यूसली नहीं है, बीच बीच में उनका स्पेस आता रहता है, ठीक है, बीच बीच में एक स्पेस आता है। अन्नमुड़ी द हाइएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुला प्लेट्यू इज लोकेटेड ऑन अन्नमलई हिल्स इन वेस्टर्न घाट, ठीक है। वेस्टर्न घाट का जो हाइएस्ट पीक है वो है अन्नमुड़ी, ठीक है, जो कि अन्नमलई हिल्स में लोकेटेड है, ठीक है। अन्नमुड़ी के बाद हाइएस्ट पीक कौन सा है यहाँ का वेस्टर्न घाट का, दौड़ा बेटा, जो कि आपको नीलगिरी हिल्स में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पेनिनसुला रिवर्स हैव द ओरिजिन इन वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट से ही ज़्यादातर हमारी पेनिनसुला रिवर्स फ्लो होती हैं। ईस्टर्न घाट्स के बारे में मैंने आपको बताया कि कंपैरेटिवली साइज में छोटे होते हैं, कंटिन्यूस नहीं होते, ऐसे बीच बीच में गैप आता रहता है, ठीक है। और ये हिल्स साइज में छोटे इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी नदियाँ हैं जिन्होंने मतलब घिस दिया है, इरोड कर दिया है इस हिल के एरिया को। यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि जवादी हिल, पालकोंडा रेंज, नल्लमला हिल, महेंद्रगिरी हिल्स, ठीक है, ये सब आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमने डेक्कन प्लेट्यू के आसपास के बारे में बात करी। अब सेंट्रल हाईलैंड मतलब ये वाला एरिया जो इंडिया का, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो इसके वेस्ट में अगर आप जाओगे तो आपको अरावली रेंज मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट साउथ में अगर आप यहाँ पे जाओगे तो आपको सतपुरा रेंज देखने को मिलेगा, ठीक है। दिस फॉर्म्स द नॉर्दर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। डेक्कन प्लेट्यू का जो नॉर्थ मोस्ट बाउंड्री बन रहा है वो सेंट्रल हाईलैंड के वजह से बन रहा है, ठीक है। अब ये यहाँ के जो माउंटेन्स हैं ये बहुत डिसकंटिन्यूस हैं, ठीक है, डिन्यूडेड हैं, थोड़ा मतलब इरोड हो गए हैं, ओके। नेक्स्ट द एक्सटेंशन पेनिनसुला प्लेट्यू का जो एक्सटेंशन है वो आपको जैसलमेर तक देखने को मिलेगा वेस्ट में, ठीक है। जैसलमेर के आसपास जाओगे वहाँ पे आपको ये बर्चांस, ठीक है, सैंड ड्यून्स जैसे स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे। अभी ना इसी चैप्टर में हम डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताऊंगी ये बर्चांस क्या होता है, ठीक है। सैंड ड्यून्स तो हमें पता है, डेजर्ट में जो ऐसे छोटे छोटे सैंड के हिल्स बन जाते हैं उन्हें सैंड ड्यून्स कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे रीजन्स भी थोड़ा बहुत सेंट्रल आइलैंड के पास हैं, ठीक है। ये जो एरिया है यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेटामॉर्फिक प्रोसेसेस हुए हैं, जैसे बचपन में पढ़ा है ना, तीन टाइप के रॉक होते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, है ना। मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनता है, मान लो कोई इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक है, ओवर टाइम उस रॉक के साथ क्या हुआ, उसके ऊपर फिजिकल चेंजेस आए, केमिकल चेंजेस आए, वो जो पत्थर है वो बहुत ज़्यादा बदल गया, तो एक नया टाइप का जो पत्थर बनता है उसे मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं, है ना। तो यहाँ इस एरिया में मेटामॉर्फिक चेंजेस बहुत आए हैं, तो इसलिए यहाँ पे आपको मेटामॉर्फिक रॉक देखने को मिलेंगे, जैसे कि मार्बल, स्लेट, नीस, ऐसे अलग अलग टाइप के मेटामॉर्फिक रॉक आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। 700 से लेके 1000 मीटर तक का जनरल एलिवेशन है हमारे सेंट्रल हाईलैंड का। यहाँ पे आपको मोस्ट ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर, ठीक है, रिवर यमुना की ट्रिब्यूटरीज जो हैं उनका ओरिजिन यहाँ से होता है, विंध्यान या कैमूर रेंजेस से, ठीक है। बनास द ओनली सिग्निफिकेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर चंबल दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम अरावली इन द वेस्ट, ठीक है, यहीं पर ही आपको बनास देखने को मिलेगा, जो कि चंबल नदी की एक ट्रिब्यूटरी है, जिसकी शुरुआत कहाँ से होती है, अरावली से, वेस्ट से, ठीक है। और मतलब ये आपको सेंट्रल हाईलैंड का ईस्ट वेस्ट ये सब समझाया जा रहा है, ठीक है। तो वेस्ट का समझ लिया, ईस्टर्न साइड जाओगे तो आपको फिर से राजमहल हिल्स देखने को मिलेगा। साउथ में अगर आप जाओगे तो छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड के थोड़ा साउथ में जाओगे तो आपको छोटा नागपुर प्लेट्यू देखने को मिल जाएगा,
ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स भी हैं। नेक्स्ट नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यो के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा है ये हमारा नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यो यहाँ पे आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने ये पढ़ा था कि बीच में एक गैप आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, हमने मालदा फॉल्ट के बारे में पढ़ा था ना चैप्टर की शुरुआत में, तो यहाँ मालदा फॉल्ट है, फिर यहाँ पे इस साइड जाओगे तो नॉर्थ ईस्टर्न हमारे प्लेट्योज स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो अगेन हम इनके बारे में थोड़ा, इसके नॉर्थ ईस्ट वेस्ट में क्या है वो सब देख लेते हैं। इट इज़ बिलीव ड्यू टू फोर्स एग्जर्टेड बाय नॉर्थ ईस्टवर्ड मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट एट द टाइम ऑफ हिमालयन ओरिजिन अ ह्यूज फॉल्ट वॉज क्रिएटेड बिटवीन राजमहल हिल्स एंड मेघालय। तो राजमहल हिल्स कुछ यहाँ पे है और नॉर्थ ईस्ट हमारा यहाँ पे है, बीच में एक फॉल्ट क्रिएट हो गया जिसके वजह से ये वाला पार्ट सेंट्रल हाईलैंड से थोड़ा अलग हो गया। ठीक है, तो ये मालदा फॉल्ट के बारे में हमने पढ़ ही रखा है। ठीक है, बाद में देखो अगर फॉल्ट था तो ये वाला एरिया अब भी, मतलब यहाँ पे एक गड्ढा सा होना चाहिए, बाद में ओवर टाइम ये जो एरिया था वो फिल हो गया। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी नदियाँ यहाँ से बहती हैं तो नदियाँ के सेडिमेंट्स आ गए। ठीक है, तो वो एरिया आज के टाइम पे तो फिल हो गया। अब मेघालय का जो प्लेट्यो है उस प्लेट्यो को आप फर्दर तीन हिस्सों में बांट सकते हो। ठीक है, गारो हिल्स, खासी हिल्स, जयंतिया हिल्स, मैंने आपको मैप में दिखाया था, मैंने आपको कहा था कि अभी देख लो आगे जाके काम आएगा। ठीक है, तो अभी आप मैप में देख लो इसे। कर्बी आंगलोंग देखो आसाम के यहाँ पास में पड़ता है, बहुत बार पड़ रहा है ना कर्बी आंगलोंग, तो ये यहाँ पड़ता है आसाम में। और गारो, खासी, जयंतिया भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, तो ये अगर हमारा इंडिया का मैप है तो ये यहाँ पे अपना मेघालय है और मेघालय में ये ऐसे सीक्वेंस में लगे हुए हैं गारो, खासी, जयंतिया हिल्स। ठीक है, तो ऐसे सीक्वेंस में ये सारे हिल्स लगे हुए हैं। ठीक है, एन एक्सटेंशन ऑफ दिस इज ऑल्सो सीन इन कर्बी आंगलोंग। ठीक है, तो इसी का ही एक एक्सटेंशन कर्बी आंगलोंग आसाम के पास भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो मेघालय प्लेट्यू छोटा नागपुर प्लेट्यू के जैसा ही है, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारे मिनरल्स हैं, कोर, आयरन, ठीक है, लाइमस्टोन, ऐसे बहुत सारे मिनरल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। दिस एरिया रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल, इस एरिया में बहुत तेज़ बारिश होती है। ठीक है, अभी आप पढ़ोगे क्लाइमेट के बारे में भी पढ़ोगे ज्योग्राफी में, तब आप मॉनसून के बारे में बहुत कुछ समझोगे, तब आपको समझ आएगा कि यहाँ बहुत तेज़ बारिश क्यों होती है। ठीक है, तो मेघालय प्लेट्यू में बहुत तेज़ बारिश होने के कुछ नुकसान भी हैं, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश होती है तो पानी के, ठीक है, बारिश के पानी के वजह से जो पूरा एरिया है वो लीच्ड हो जाता है। लीच मतलब वहाँ का जो सारा न्यूट्रिशन जो है सब बह जाता है, मेघालय प्लेट्यू जो है वो इरोजन वहाँ पे हो रहा है। ठीक है, चेरापूंजी डिस्प्लेज अ बेयर रॉकी सरफेस। ठीक है, चेरापूंजी में तो बहुत ही बारिश होती है तो वो जो एरिया एकदम रॉकी सा बन गया है और वहाँ पे कोई भी परमानेंट प्लांट्स, फॉरेस्ट वगैरह ग्रो नहीं करते। ठीक है, चलो, तो हमारे इंडिया में ना डाइवर्सिटी जैसे हम पढ़ ही रहे हैं बहुत ज़्यादा है। एक एरिया जहाँ पे इतनी बारिश हो रही है कि कुछ ग्रो ही नहीं कर पा रहा, दूसरा हमारे इंडिया में एक ऐसा एरिया जहाँ पे इतनी गर्मी है कि कुछ ग्रो नहीं कर पा रहा। तो डेजर्ट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इंडिया के डेजर्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो ये येलो पोर्शन पूरा अपना इंडिया है, रेड वाला जो पोर्शन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये अपना डेजर्ट वाला पोर्शन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अरावली हिल्स से अगर आप नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाओ तो अपना ग्रेट इंडियन डेजर्ट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सैंड ड्यून्स और ये बार्कन्स देखने को मिलेंगे, अभी बताऊंगी क्या है ये, टेंशन मत लो। ठीक है, यहाँ पे बहुत कम बारिश होती है, 150 mm से भी कम एक साल के अंदर। एरिड मतलब बहुत ड्राई, बहुत गर्म कंडीशन यहाँ पे होता है। एंड क्यों, ऑब्वियस बात है डेजर्ट सा एरिया तो यहाँ पे ज़्यादा वेजिटेशन कवर, ज़्यादा फॉरेस्ट वगैरह नहीं है। ठीक है, तो अब आप लोग समझ लो ये बार्कन्स होता क्या, बार बार सुनते जा रहे हैं। ठीक है, सैंड ड्यून्स तो हमें पता है, जैसे ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसे सैंड ड्यून कहते हैं। बार्कन्स क्या होता है, सैंड ड्यून्स में आपने देखा होगा कि एक इस टाइप का एक स्ट्रक्चर बन जाता है ना, ये आपको दिख रहा है, मैं एक बार रेड कलर से और कर देती हूँ। ठीक है, तो जैसे हवा देखो, मान लो ऐसे चल रही है, ठीक है, तो हवा क्या करेगी, हवा के चलते सैंड ड्यून्स का ना एक ऐसा एक क्रेसेंट सा शेप बन जाएगा। ठीक है, तो इस शेप को ही बार्कन्स कहा जाता है। ठीक है, तो डेजर्ट में अक्सर इस टाइप के स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। ठीक है, अब ये जो एरिया है हमारे डेजर्ट में एक ऐसा एरिया है जहाँ पे हम, जिस पर्टिकुलर एरिया को हम मरुस्थली कहते हैं, मरुस्थली मतलब जैसे एक डेड जोन की तरह। ठीक है, मतलब एक ऐसा एरिया जहाँ पे बिल्कुल भी ज़्यादा लाइफ फॉर्म्स नहीं है, तो हम उसे मरुस्थली कहते हैं।
ठीक है। तो हमारा मानना ये है कि बहुत साल पहले ये जो एरिया था ये सी के अंडर था, समुद्र के अंडर था। अब आप सोचोगे दीदी ऐसे कैसे, अब आज के टाइम पे डेजर्ट है, बहुत सालों पहले सी के अंडर था, कुछ भी बोल रहे हो आप, ऐसा नहीं है। ठीक है, हमारे पास प्रूफ्स हैं, हमें बहुत सारे फॉसिल्स यहाँ मिले, मरीन डिपॉजिट्स, ठीक है, फिशेस के साइन मिले, जिसके जिन्हें देखने के बाद हमने अंदाज़ा लगाया कि अच्छा बहुत साल पहले ये पूरा एरिया जो है वो समुद्र के नीचे था। ठीक है, बाद में फॉर वॉट एवर रीज़न हमें पता हमारे अर्थ में बहुत सारे चेंजेस आए, बाद में आज के टाइम पे ये एक डेजर्ट वाला एरिया है। ठीक है, यहाँ पे आपको मशरूम रॉक्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, ओएसिस देखने को मिलेगा। ओएसिस मतलब अगर डेजर्ट के बीच में आपको कहीं पानी दिख जाए तो हम उसे ओएसिस कहते हैं। मशरूम रॉक क्या होता है, मान लो ऐसे एक रेक्टेंगल सा पत्थर है जो कि डेजर्ट में पड़ा हुआ है। ठीक है, अब डेजर्ट में बहुत तेज़ हवा चलती है, तो अगर हवा चलेगी तो क्या होगा, धीरे धीरे जो रॉक का ये वाला एरिया वो पूरा सारा ऐसे कट जाएगा। ठीक है, जिसके चलते क्या होगा, ऐसे एक मशरूम सा बन जाएगा, मतलब मशरूम सा एक शेप बन जाएगा। तो ऐसे पत्थर जिनका एक मशरूम जैसा सा शेप होता है उनको हम मशरूम रॉक्स कहते हैं। तो मशरूम रॉक्स आपको डेजर्ट में देखने को मिलेगा, ओएसिस देखने को मिलेगा। ठीक है, और आप देखोगे कि डेजर्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। हमारा जो इंडिया का डेजर्ट है उसे हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। ठीक है, एक तो होता है नदर्न पार्ट जो कि सिंध के तरफ है थोड़ा सा, और एक सदर्न पार्ट जो कि रन ऑफ कच्छ के तरफ है थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादातर जो नदियाँ हैं वो एफर्मल हैं, एफर्मल मतलब बहुत कम टाइम के लिए चलती हैं। जाहिर सी बात है डेजर्ट कंडीशन है, ऐसा नहीं है पूरे साल यहाँ बहुत तेज़ नदियाँ बहती हैं। यहाँ पे एफर्मल नदियाँ होती हैं, मतलब ऐसी नदियाँ जो पूरे साल में कुछ महीने उसमें पानी रहता है, बाकी टाइम सूखी पड़ी रहती हैं। ठीक है, तो उसी में से एक नदी का एग्जाम्पल है लूनी रिवर। ठीक है, तो यहाँ पे देखना, ठीक है, साथ साथ देखते जाओ जहाँ मेरा पेन है। ठीक है, यहाँ ये लूनी रिवर यहाँ पे बहती है, यहाँ पे अगेन कम बारिश होती है, इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो ये एक वाटर डेफिसिट रीजन है। वाटर डेफिसिट रीजन मतलब ये एक ऐसा एरिया है जहाँ अक्सर पानी की कमी पड़ती है। ठीक है, देर आर सम स्ट्रीम्स विच डिसअपेयर आफ्टर फ्लोइंग फॉर सम डिस्टेंस। तो यहाँ पे कुछ ऐसी स्ट्रीम्स भी हैं जो थोड़ा सा चलती हैं और फिर गायब हो जाती हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट, एंड प्रेजेंट अ टिपिकल केस ऑफ इनलैंड ड्रेनेज बाय जॉइनिंग अ लेक। बहुत सारी स्ट्रीम्स ऐसी हैं जो बहती हैं और फिर एक लेक से जाकर मिल जाती हैं। ठीक है, या फिर उसे हम प्लाया भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ की जो लेक्स होती हैं, यहाँ का ब्रैकिश सा वाटर होता है, मतलब नमकीन सा सॉल्टी सा पानी होता है, एंड अगर आप इस लेक के पास जाओगे तो आप नमक भी बना सकते हो, पानी इवेपोरेट कर दो सॉल्ट बन जाएगा। तो यहाँ के जो लेक्स हैं वो एक मेन सोर्स हैं जिसके थ्रू हम लोग सॉल्ट भी बना सकते हैं। नेक्स्ट, कोस्टल प्लेन्स के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। इंडिया के जो कोस्टल प्लेन्स हैं अभी मैप में दिखा दूंगी, उनको आप दो हिस्सों में बांट सकते हो, एक है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और एक है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, तो ये अपना ठीक है, ये जो पूरा है ये हमारा कोस्टल प्लेन है। आप कोस्टल प्लेन को दो हिस्सों में बांट सकते हो, ये वाला हिस्सा जो है ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है और ये वाला हिस्सा जो है ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है। अभी आपके बुक में हम पढ़ेंगे एक एक करके, पर मैं मैप के थ्रू ही समझा देती हूँ आपको। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को हम तीन एरियाज में बांट सकते हैं। ठीक है, एक है ये जो ऊपर वाला गुजरात के पास है, इसे हम कहते हैं खाटियावार कोस्ट। उसके नीचे अगर आप थोड़ा आओगे तो कोंकण कोस्ट, आपने सुना भी होगा, यहाँ के लोग कोंकणी लैंग्वेज भी बोलते हैं। इसके नीचे केरला के पास आ जाओ तो ये वाला जो हिस्सा है हमारे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का, इसे हम कहते हैं मलाबार कोस्ट। ईस्ट में अगर आप आ जाओ तो यहाँ सबसे ऊपर है उत्कल कोस्ट, नीचे आओगे आंध्रा के पास तो आंध्रा कोस्ट, और नीचे आओगे यहाँ पे तो कोरामंडल कोस्ट। ठीक है, तो ऐसे हमारा जो कोस्टल प्लेन है वो दो टाइप में डिवाइडेड है, इसे हम कहते हैं वेस्टर्न, इसे हम कहते हैं ईस्टर्न। ठीक है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को आप तीन हिस्सों में बांट सकते हो, काठियावार, कोंकण और मालाबार। ईस्टर्न को भी तीन हिस्से में बांट सकते हो, उत्कल, आंध्रा और कोरोमंडल कोस्ट। ओके, सो इस तरीके से डिवीजन हो रखा है हमारे कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया का। ठीक है, चलो तो अब हम आगे बढ़ते हैं। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की अगर हम बात करें तो ये सबमर्ज कोस्टल प्लेन है, मतलब ये जो एरिया है ये थोड़ा सबमर्ज हो रखा है, थोड़ा सा डूब रखा है। इट इज़ बिलीव दैट द सिटी ऑफ द्वारका, ऐसा माना जाता है कि यहाँ सिटी ऑफ द्वारका था, जो कि हमारे इंडिया के मेन लैंड में सिचुएटेड था, बट विद टाइम ये पानी में सबमर्ज हो गया। ठीक है, क्योंकि ये एरिया सबमर्ज सा है, थोड़ा डूब रखा है पानी में, तो नैरो सा एक एरिया बचता है, और क्योंकि ये एरिया सबमर्ज्ड है, थोड़ा सा डीप है, तो यहाँ पे पोर्ट्स एंड हार्बर्स बनाना बहुत आसान होता है।
ठीक है, तो अगर वेस्टर्न कोस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप जैसे ही उतरोगे ना, ये एरिया बहुत डीप सा है, ठीक है। तो क्योंकि ये डीप है, थोड़ा सा डूब सा रखा है, सबमर्ज हो रखा है, तो यहाँ पे पोर्ट, हार्बर ये सब बनाना आसान होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स भी हैं, जैसे कांडला पोर्ट हो गया, जेएलएन पोर्ट हो गया, अभी सारे पोर्ट मैप में दिखा दूंगी, टेंशन मत लेना। एक्सटेंडिंग फ्रॉम गुजरात कोस्ट इन द नॉर्थ टू केरला कोस्ट इन द साउथ, द वेस्टर्न कोस्ट में बी डिवाइडेड इन टू फॉलोइंग डिविजन, ठीक है। तो गुजरात कोस्ट से ये स्टार्ट होता है नॉर्थ में और केरला तक ये जाता है, अभी मैं चलो फिर से दिखा देती हूँ, ठीक है। गुजरात से लेके केरला तक जाता है और तीन हिस्सों में डिवाइडेड है, काठियावाड़ कोस्ट, कोंकण कोस्ट और मलाबार कोस्ट, ठीक है। तो यही चीज़ जो अभी हम पहली मैप से समझ चुके हैं वो आपको यहाँ थ्योरी में लिखकर बुक में बताया गया, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पर भी मैंने मैप डाल रखा है, पूरे चैप्टर में बहुत सारे मैप्स डाल रखे हैं, ठीक है। तो काठियावाड़, कोंकण और मलाबार कोस्ट, ठीक है। हाँ, तो मैंने आपसे कहा था पोर्ट दिखा दूंगी, है ना। तो इस एरिया में देखो, गुजरात से स्टार्ट होते हुए बहुत सारे पोर्ट हैं यहाँ पे। गुजरात में कांडला है, उसके बाद मुंबई पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ठीक है, जो जेएलएन पोर्ट लिखा हुआ है ना, और मोरमुगांव, मैंगलोर, कोची, ये सब कुछ फेमस पोर्ट्स हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में अगर हम बात करें तो नैरो सा एरिया मैंने आपको बताया, ठीक है। तो यहाँ पे ना डेल्टा नहीं बनते, ठीक है। और क्यों नहीं बनते, पॉइंट यही है कि बहुत ही छोटा सा एरिया, अब डेल्टा बनने के लिए भी तो जगह चाहिए ना, तो डेल्टा बनने के लिए भी यहाँ पे जगह नहीं है, तो ये याद रखना कि यहाँ पे डेल्टा नहीं बनते, ठीक है। चलो, मलाबार कोस्ट की अगर हम बात करें तो मलाबार कोस्ट में ना, मतलब केरला का जो कोस्ट है, वहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है जिसको कायल कहा जाता है, मतलब बैक वाटर कहा जाता है, ठीक है। बैक वाटर का क्या मतलब है, वैसे तो सी वाटर है बट समहाउ, ठीक है, क्योंकि वहाँ का लैंड फीचर ऐसा है, वो पानी थोड़ा सा पीछे की तरफ आ गया एंड इट इज़ ट्रैप्ड, तो हम उसे बैक वाटर कहते हैं। तो बैक वाटर रिलेटिवली काम होता है, बहुत शांत सा होता है, सी की तरह बहुत, मतलब वहाँ पे वेव्स वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, बैक वाटर्स कहते हैं इसे। एंड बैक वाटर्स केरला का एक बहुत ही फेमस फीचर है, बहुत ही फेमस अट्रैक्शन है। हर साल यहाँ पे नेहरू ट्रॉफी वल्लम कली होता है, मतलब एक बोट रेस होता है जिसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। केरला में पुन्नामड़ा कायल एरिया में ये होता है, ठीक है। तो एक फेस्ट की तरह लोग पार्ट लेते हैं, ये बैक वाटर है, ठीक है। और हाँ, जब बोट रेस होता है तो ये ऐसा देखने को मिलता है, तो एक मतलब एक फेस्टिवल की तरह, फेस्ट की तरह लोग पार्ट लेते हैं इस टाइप के कॉम्पिटिशन में, साल में एक बार होता है अक्सर, ठीक है। तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की अब हम बात करते हैं, ये सारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में पढ़ा। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन क्या है, कंपैरेटिवली ब्रॉडर है, कंपैरेटिवली थोड़ा चौड़ा सा एरिया है, ठीक है। देर आर वेल डेवलप्ड डेल्टाज हेयर, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे वेल डेवलप्ड डेल्टाज हैं, ठीक है, जो कि रिवर्स से बनते हैं, रिवर्स फ्लो होते हैं, ठीक है, बे ऑफ बंगाल की तरफ रास्ते में डेल्टा बना के जाते हैं। तो याद रखना, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में डेल्टा है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में डेल्टा नहीं है, ठीक है। तो डेल्टा कैसे बनते हैं यहाँ पे, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन सब की वजह से हम देखते हैं कि डेल्टाज यहाँ पे बहुत सारे बन रहे हैं। बिकॉज ऑफ इट्स इमर्जेंट नेचर, इट हैज़ लेस नंबर ऑफ पोर्ट्स। अब यहाँ पे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जितनी गहराई नहीं है, सबमर्ज्ड एरिया नहीं है, तो यहाँ पे नेचुरल पोर्ट्स या हार्बर बनाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। पर यहाँ पे फिर भी कुछ पोर्ट्स हैं, पारादीप, विशाखापट्टनम, एन्नोर, चेन्नई, ट्यूटिकॉरन, तो कुछ पोर्ट्स यहाँ पे हैं, हमारे बुक में इतना डिटेल बता नहीं रखा, मैंने आपको मैप के साथ दिखा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम इंडिया के आइलैंड्स के बारे में पढ़ते हैं। हमने पिछले ज्योग्राफी के चैप्टर में थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से आइलैंड्स को देख लिया था, अभी उसी को ही रिवाइज करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो हमारे पास दो मेजर आइलैंड ग्रुप्स हैं, तो आपको पता ही है इंडिया, इंडिया का जैसे शेप ऐसे नीचे जाता है, तो एक तरफ अपना अरेबियन सी होता है और एक तरफ अपना बे ऑफ बंगाल है, है ना। तो अगर हम बात करें बे ऑफ बंगाल की, तो वहाँ पे आइलैंड ग्रुप्स कितने हैं, 572 आइलैंड्स हैं, ठीक है। आइलैंड्स, अच्छा यहाँ पे एक आइलेट्स वर्ड यूज़ करा गया है ना, आइलेट मतलब आइलैंड का एक छोटा सा वर्जन, ठीक है। तो छोटे 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 आइलैंड्स को आइलेट्स कहा जाता है, तो 572 आइलैंड का ग्रुप्स हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड फिर हमें इसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का भी नंबर बता रखा है, 6 डिग्री से लेके 14 डिग्री नॉर्थ, 92 से लेकर 94 डिग्री ईस्ट तक आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे आइलैंड्स। एंड यहाँ पे दो प्रिंसिपल ग्रुप ऑफ आइलेट्स हैं जो कि बहुत फेमस हैं, रिचीज आर्किपेलागो। आर्किपेलागो क्या होता है, ग्रुप ऑफ आइलैंड, ठीक है, आइलैंड की एक ग्रुप को आर्किपेलागो कहते हैं। तो रिची आर्किपेलागो और लैबरिंथ आइलैंड ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो रिची, मैंने ये जो रेड है ये रिची आइलैंड है, और नीचे की तरफ लैबरिंथ आइलैंड भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा,
ठीक है, तो हम एक बार इंडिया के आइलैंड्स को देख लेते हैं। ये अपने इंडिया का मैप है। अरेबियन सी में जो अपना आइलैंड पड़ता है उसे हम कहते हैं लक्षद्वीप। बे ऑफ बंगाल में जो पड़ता है वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अपने इंडिया के ही आइलैंड्स हैं ये दोनों। अब इनके बारे में भी मैं थोड़ा इन डिटेल बताऊंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अंडमान से, ठीक है। अंडमान थोड़ा नॉर्थ की तरफ है, हम कहते हैं ना अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान नॉर्थ की तरफ है, साउथ की तरफ निकोबार है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में एक सेपरेशन है वाटर बॉडी का, उसे हम कहते हैं 10 डिग्री चैनल, ठीक है। तो हाँ, यहाँ नीचे की तरफ निकोबार आइलैंड है, ऊपर की तरफ अंडमान आइलैंड है। दोनों के बीच में पानी का एक सेपरेशन है, इसे हम कहते हैं चैनल, ठीक है। ये हो गया हमारा 10 डिग्री चैनल, ठीक है। तो ये याद रखना, चैनल क्या है? कुछ नहीं, एक वाटर बॉडी जो दो लैंड मास को सेपरेट करें। तो 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को सेपरेट करते हैं, ठीक है। सम स्मॉलर आइलैंड्स आर वॉल्केनिक इन ओरिजिन। अब कुछ आइलैंड्स यहाँ पे ऐसे हैं जो वॉल्केनिक हैं ओरिजिन में। अच्छा, मैं आपको ये भी बताती हूँ यहाँ पे आइलैंड्स बने कैसे, ठीक है। बहुत सारे तो ये आइलैंड्स ऐसे हैं कि समुद्र के नीचे माउंटेन्स हैं, तो अगर ये पानी है तो नीचे एक माउंटेन है, तो माउंटेन का ये पीक ऊपर की तरफ दिखेगा ना, तो ये आइलैंड हो गया। ये एक ज़मीन है जो पानी से घिरा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे वॉल्केनोज भी थे कुछ, ठीक है। तो वॉल्केनो जब इरप्ट हुए तो उसके बाद धीरे धीरे आइलैंड्स बन गए, ठीक है। तो जैसे अगर हम बैरन आइलैंड की बात करें, तो जो इकलौता एक्टिव वॉल्केनो है हमारे इंडिया का, ठीक है, वो हमारे निकोबार आइलैंड्स में सिचुएटेड है, ठीक है। यहाँ पे कोरल्स आपको मिल जाएंगे, बहुत ब्यूटीफुल बीचेस आपको देखने को मिल जाएंगे। दीज आइलैंड रिसीव कन्वेक्शनल रेनफॉल, यहाँ बारिश भी होती है। इक्वेटोरियल टाइप का यहाँ पे आपको फॉरेस्ट भी देखने को मिलेगा, ठीक है। अरेबियन सी की बात करें तो अरेबियन सी में लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय आपको देखने को मिलेगा। ये स्कैटर्ड से हैं, मतलब ऐसे जुड़े हुए आइलैंड्स नहीं हैं, थोड़े स्कैटर्ड से हैं। उनका भी लॉन्गिट्यूड आपको बता रखा है, ठीक है, डिस्टेंस बता रखा है कि अगर आप केरला से कुछ 280 से 480 किलोमीटर निकलोगे दूर तो आप लक्षद्वीप पहुंच जाओगे, ठीक है। और लक्षद्वीप का पूरा आइलैंड कैसे बना है? कोरल्स से बना है। तो ये कोरल्स होते हैं, ठीक है, हमने पढ़ रखा है, साइंस में भी पढ़ रखा है आप लोगों ने। तो पोलिप्स होते हैं, उनका जो स्केलेटन होता है उससे बनता है कोरल्स। तो कोरल्स के थ्रू ये पूरा आइलैंड बना है, ठीक है। आजकल तो खैर बहुत एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, हमारे जो कोरल्स हैं उनमें ऐसा कलर नहीं है, कलर हट रहा है, कोरल ब्लीचिंग हो रही है, पर हाँ, कोरल से हमारा लक्षद्वीप बन रखा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ अप्रॉक्सीमेटली 36 आइलैंड हैं, जिसमें से 11 इनहैबिटेड हैं, 11 में लोग रहते हैं। मिनिकॉय लार्जेस्ट आइलैंड है, और हाँ, ये हमारे एनसीईआरटी में ना एक मिसप्रिंट है। मिनिकॉय का एरिया बोल रखा है 453 स्क्वायर किलोमीटर है। 453 स्क्वायर किलोमीटर बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। यहाँ कहीं पे एक पॉइंट लगना चाहिए था, ठीक है। एग्जैक्ट आप लोग गूगल भी कर सकते हो, 453 तो बिल्कुल भी नहीं है, 4.678 ऐसा कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो ये मिसप्रिंट है, ठीक है। दी एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड इज ब्रॉडली डिवाइडेड बाय 11 डिग्री चैनल। 11 डिग्री चैनल जो है वो इस एंटायर आइलैंड को डिवाइड करता है, जैसे अंडमान में 10 डिग्री चैनल था, ठीक है। अब इस आइलैंड में आपको बहुत सारे पेबल्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, श्रिंगल्स देखने को मिल जाएंगे, कॉबल्स, बोल्डर्स, मतलब ये सारे वर्ड्स क्या हैं, इस टाइप के जो स्मूथ स्मूथ से पत्थर होते हैं ना, वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और इसी के साथ हमारा फाइनली ये चैप्टर फिनिश होता है, ठीक है। तो ज्योग्राफी का एक और चैप्टर हमने फिनिश कर लिया। चैप्टर थोड़ा लंबा था, आई अंडरस्टैंड आप में से काफ़ी सारे बच्चों को ये चैप्टर थोड़ा टफ भी लगा होगा, बट हाँ, मैंने विथ मैप इन डिटेल समझाने की कोशिश करी है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्लास कैसी लगी, ये भी बताना कि नेक्स्ट लेक्चर कौन से सब्जेक्ट, कौन से चैप्टर से रिलेटेड आपको चाहिए, ठीक है। तो फील फ्री टू रीच आउट कमेंट सेक्शन में भी, और आप इंस्टाग्राम में भी रीच आउट कर सकते हो @anushya.k। चलो स्टूडेंट्स, सो दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।